أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, I welcome you all again to our course, Research Method and Design of Experiments. Today, we are going to start our fourth topic, which is Research and Statistics. For this particular topic, you will have to read Chapter 1 of the book by Pelham, which is available on our group and in the library. And there'll be a few more things that I'll be sharing with you, and they'll be a part of what would make the curriculum of your exam. So why do we really need to study statistics in this course about research methodology? Well, we won't be exactly studying statistics, but we'll be kind of brushing our knowledge of it, and we'll try to understand how important it is to know statistics, to be hands-on with some fundamentals of statistics if we want to do an effective research, particularly an effective quantitative research. As we would learn later in this course, that statistics also helps us in qualitative research in many ways, but the quantitative research, it is predominantly dependent on your expertise, your knowledge of statistics. Alright, so what you see on the slide right now are two quotations by two great people. One is Carl Pearson. I'm sure you've heard of the Pearson correlation coefficient. It was invented by Pearson. And the second is Plato. Aflatoon kehte hain jinko hum. To Pearson ne kya kaha, wo kehte hain ji ke the record of a month's roulette playing at Monte Carlo can afford us material for discussion. The foundations of knowledge. यानी वो कह रहे हैं कि अगर आप statistics किसी एक particular set of events की निकाल लें तो उसको आप उससे आप knowledge के fundamentals को समझ सकते हैं, आप उन foundations को समझ सकते हैं जिन पे knowledge खड़ी होती है. और दूसरी तरफ Plato क्या कहते हैं, वो कहते हैं I know too well that these arguments from probabilities are impostors. And unless great caution is observed in the use of them, they are apt to be deceptive. In other words, वो ये कह रहे हैं कि ये जो statistics हैं, ये actually लोग इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को गलत पेश करने के लिए, और अगर आप बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रखेंगे तो आपको नुकसान होगा. लेकिन आप देखें कि वो space छोड़ रहे हैं इस चीज़ के लिए कि अगर आप ख्याल रखेंगे तो आप इससे नॉलेज हासिल कर सकते हैं. इसी तरह जो पियर्सन साहब थे, इनके वालिद साहब थे, उनका नाम था बिल पेलहम. वो मशहूर आदमी थे. वो ये कहते थे कि उनका एक बड़ा मशहूर कोट है कि फिगर्स कैन लाए, फिगर्स कैन नॉट लाए, बट लायर्स कैन श्योर फिगर. तो वो भी ये कहते हैं कि स्टेटिस्टिक्स इन इटसेल्फ तो ठीक होती हैं, लेकिन लोग उनको जिन जो लोग गलत काम करना चाहते हैं और स्टेटिस्टिक्स को भी समझते हैं तो वो उनको गलत काम के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो ये दो कोट्स मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप ये समझें कि स्कॉलरशिप में स्टेटिस्टिक्स को दो मुख्तलिफ तरीक़ों से देखा जाता है. एक तरफ लोग इसको समझते हैं कि ये नॉलेज के फंडामेंटल्स को समझने के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, और दूसरी तरफ लोग इस पर शक करते हैं. जो हमने पहले रिसर्च की टाइप्स पढ़ी थी पहले तीन हमारे टॉपिक्स में, और सेकंड में पर्टिकुलरली उसमें हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को डिफरेंशिएट किया था. तो ये दो जो वर्ल्ड व्यूज़ हैं कि एक तरफ स्टेटिस्टिक्स पे बहुत रिलाय करना, तो ये लोग नेचुरली वो लोग होते हैं जो कि क्वांटिटेटिव रिसर्च ज़्यादा कर रहे होते हैं, ये पॉजिटिविस्ट लोग होते हैं. दूसरी तरफ जो लोग स्टेटिस्टिक्स से तो वेरी होते हैं, थोड़ा सा उस पर शक करते हैं, दे टेंड टू बी क्वालिटेटिव रिसर्चर्स. तो यहाँ पे मैं ऑब्वियसली आपको ये नहीं कहूँगा कि कौन सा व्यू ठीक है, क्योंकि हम नॉलेज की जो हमने शुरू में फंडामेंटल्स डिस्कस की थी, वो बाय डेफिनेशन यही होता है कि हर चीज़ को लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से देखते हैं.
तो एज अ स्कॉलर हमारी अप्रोच ऑब्वियसली ये नहीं होती कि हम किसी एक तरीके को सही समझ के फॉलो करना शुरू कर दें, बल्कि एज अ स्कॉलर हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि हम दोनों तरीकों को अच्छी तरह समझें और दोनों की अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करें और जहाँ जहाँ पे उनमें कैवियाट्स हैं उनसे बचने की कोशिश करें। तो एक तरह से आप समझ लें कि इन दोनों डेफिनेशंस को मिला के पढ़ें तो स्टेटिस्टिक्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ नॉलेज है जो हमें नॉलेज के फंडामेंटल्स के बारे में बहुत कुछ बताता है, लेकिन उसमें अगर ख्याल ना रखा जाए तो उसमें डिसेप्शन हो सकती है। तो वन लाइन में अगर कहा जाए तो डिसेप्शन के सिचुएशन से बचते हुए हमने स्टेटिस्टिक्स को समझना और इस्तेमाल करना है, और इससे हम नॉलेज की डेप्थ और डिटेल्स तक पहुंच सकेंगे। स्टेटिस्टिक्स है क्या? बेसिकली ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है और इसके अंदर दो सब टाइप्स हैं या सब ब्रांचेस हैं। एक होती है डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स और एक होती है इन्फेरेंशियल स्टेटिस्टिक्स। अब डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स और इन्फेरेंशियल स्टेटिस्टिक्स क्या हैं ये हम थोड़ी देर में देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम ज़रा समझते हैं कि ये मैथ्स और स्टेटिस्टिक्स का नॉलेज से या डेवलपमेंट से, या आप ये समझें कि आजकल जो दुनिया इतनी तरक्की कर गई है इकोनॉमिक्स में, इंजीनियरिंग में, आईटी में, बहुत सारी चीज़ों में, इसमें मैथ्स और स्टेटिस्टिक्स का रोल क्या है। पुराने ज़माने में या इंतहाई 5-6 हज़ार साल पहले, इंतहाई पुराने ज़माने में, आप आर्कियोलॉजी की चीज़ें देखें तो आपको पता चलता है कि पहले, सबसे पहले तो नंबर्स होते ही नहीं थे। लोग जानवरों की शक्लें वगैरह बनाते थे, चीज़ों की शक्लें बनाते थे, उससे एक दूसरे को समझाते थे कि वो क्या बात कर रहे हैं। फिर जो पहला हमें एक कह लें स्क्रिप्ट मिलता है क्वांटिटेटिव चीज़ों को लिखने का, समझने का, वो उसको हम क्यूनिफॉर्म कहते हैं, क्यूनिफॉर्म राइटिंग्स, जो कि सुमेरियंस के रेलिक्स वगैरह से हमें मिलती हैं। और हमें पता चलता है कि वो एक एक ख़ास तरीका इस्तेमाल करते थे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक साहब ने दूसरे साहब को 4 बकरियां दी हैं और वो उनको कहते हैं कि अच्छा आप इन इनसे पैसे वगैरह कमाएं और इतने महीनों बाद मुझे आप पैसे वापस करें, तो वो 4 बकरियों की तस्वीरें बना के, तो एक जिस तरह भट्टे पे ईंटें बनती हैं उस तरह वो एक मिट्टी पे, मिट्टी के तख्ती पे वो तस्वीरें बनाते थे, उसको पका देते थे और कहीं पे रख देते थे ताकि एक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रह जाए। अब आहिस्ता आहिस्ता ये डेवलप हुआ, तो आप अपनी स्लाइड्स पे देख रहे हैं कि ये राइट साइड पे आपको रोमन न्यूमरल्स नज़र आ रहे हैं, उसके साथ क्यूनिफॉर्म नज़र आ रहा है, और उसके साथ एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे क्यूनिफॉर्म के अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर डेवलपमेंट ऐसी हुई सुमेरियंस में ही कि उन्होंने नंबर्स के और अल्फ़ाबेट्स के सिंबल्स बना लिए। तो उस बंदे को जिसने 4 बकरियां दी थी दूसरे बंदे को, उसको ये, आप ज़रा अल्फ़ाबेट्स को देखें तो जी जो आपको नज़र आ रहा है, जी और फिर ओ और फिर ए और टी और एस, गोट्स फर्ज करें लिखना था, तो एक लंबी सी इस तरह लाइन लिखेगा। और फोर जो उसने लिखना था, तो वो ये आप दूसरे वाले दरमियान वाले इलस्ट्रेशन को देखें तो वो फोर की शक्ल बनाएगा, और बनाता था और उसी तरह फिर तख्ती पे लिख के और उसको पका देते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ऑब्वियसली ये चीज़ चेंज हुई, हम रोमन न्यूमरल्स में आ गए जो आपको राइट साइड पे स्लाइड के नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे भी आप देखें तो सबसे ऊपर लिखा है 2016, 2016 क्या कैसे लिखते हैं, MMXVI। तो ये भी एक मुश्किल तरीका है लिखने का, ज़रा अभी तो हमें लगता है ना कि ये बड़ी अजीबोगरीब तरीका है लिखने का ज़रा, लेकिन इमेजिन करें कि 5 हज़ार साल पहले जब इस तरह की कोई चीज़ होती ही नहीं थी, तो जिस बंदे ने पहली बार ये सोचा होगा कि क्यूनिफॉर्म में लिखना चाहिए, तो वो कितना ज़बरदस्त इंटेलेक्चुअल बंदा होगा कि उसको समझ आ गई होगी कि सिर्फ बातों से नहीं चलेगी, ये तो 6 दिन बाद आके मुझे कह देगा कि 4 बकरियां नहीं थी, 2 बकरियां थी, तो मैं कहाँ से प्रूव करता फिरूंगा। तो इकोनॉमिक्स की बेसिक्स की जितनी समझ ऑब्वियसली उस बंदे को थी, और फिर उसने एक नया स्क्रिप्ट सोचा, वो आजकल के बड़े बड़े स्कॉलर्स से ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बंदा हुआ होगा। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये यह है कि फ़र्ज़ करें आपको
19 में से 9 मनफी करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे? 19 एक तो लिखना बड़ा मुश्किल है इन दोनों लैंग्वेजेस में, सुमेरियन में भी और फिर उसके बाद इवन रोमन्स में भी, और फिर उसमें से 9 कैसे निकालेंगे, और निकालेंगे तो जब किस चीज़ को किससे काटेंगे, और कहीं कोई कैरी ओवर करना पड़ जाए मल्टीप्लिकेशन माइनस करते हुए तो वो कैसे करेंगे? तो आप लोग इंजीनियर्स हैं जो, वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि आपको ज़बरदस्त मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं छोटा सा काम भी करने के लिए। एक बिल्डिंग है उसके अंदर पाइप्स लगाने हैं, तो पाइप कहाँ पे कब होगा, कैसे पाइप के डायाज चेंज होते हैं जब वो डिवाइड होते हैं, जब ईंटें लगा हम लोग लगा रहे होते हैं और पिलर्स बना रहे होते हैं तो लोड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी बिल्डिंग पे तीसरी मंजिल बनाई जा सकती है कि नहीं, तो ज़बरदस्त स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं हमें, चीज़ें मल्टीप्लाई डिवाइड इंटीग्रेशन करनी पड़ती है, तो वो इस तरह की लैंग्वेजेस में मुमकिन ही नहीं थी। तो ये कोई फिर हैरत की बात नहीं है कि जब तक ये लैंग्वेजेस थी दुनिया में उस वक्त तक इंजीनियरिंग ने कोई डेवलपमेंट की ही नहीं। और आप इवन जो उस वक्त की बिल्डिंग्स भी देख लें तो आपको पता चलेगा कि कुछ बिल्डिंग्स जो हमें नज़र आती हैं अब रह गई हैं, वो हैं तो बहुत खूबसूरत लेकिन इंतहाई इनएफिशिएंट हैं। यानी जहाँ पे आप 100 रुपये का मटेरियल इस्तेमाल करके एक अच्छी बिल्डिंग बना सकते थे, वहाँ लाखों रुपए का मटेरियल इस्तेमाल होता था। और आप इनके बारे में पढ़ें तो आपको पता चलता है बनते बनते कई बार गिरती भी थी ये बिल्डिंग्स। जो अच्छा बना लेता था ताजमहल, उस खैर ताजमहल के वक्त तो अरब न्यूमरल्स आ गए थे, लेकिन स्टिल जो चीज़ अच्छी बन जाती थी वो फिर बाद में आके स्टे कर जाती थी, वरना उसके अंदर लोगों की हज़ारों की डेथ होती थी। जो लोग छतें बनाते थे उनकी कमरें टूट जाती थी। बड़े मशहूर मशहूर पेंटर्स हैं जो रोम में बिल्डिंग्स को अंदर से पेंट करते थे, तो वो उनको 6-6 साल लग जाते थे एक छत को पेंट करते हुए। लेकिन फिर उसके बाद जब अरब न्यूमरल्स आए, जो जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं 1, 2, 3 जो हम लिखते हैं, उसके बाद फिर एकदम साइंस ने तरक्की की, क्योंकि हिसाब किताब करना बहुत आसान हो गया, कैलकुलेशंस करनी बहुत आसान हो गई हैं। आप चीज़ों को एक को दूसरे से मनफी कर सकते थे, जमा कर सकते थे, ज़रब कर सकते थे और डिवाइड कर सकते थे। तो फिर मैथ्स जब आहिस्ता आहिस्ता आगे चली तो स्टेटिस्टिक्स की बात आई। स्टेटिस्टिक्स हम अभी आप देखेंगे क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें आप इंतहाई बड़े बड़े डेटाज़ को समराइज़ कर सकते हैं बहुत आसानी से, उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। छोटा डेटा आपके पास अवेलेबल हो तो उसको एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं बड़े डेटा पे। आपको सिर्फ ये पता चल जाए कि 10 लोग क्या कर रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी 500 क्या कर रहे होंगे। तो फिर इस तरह स्पेशली सोशल साइंसेज में बहुत तरक्की हुई, इंजीनियरिंग साइंसेज में बहुत तरक्की हुई, फिजिकल साइंसेज सब में बहुत तरक्की हुई जब अरब न्यूमरल्स आ गए। तो देखते हैं जी कि ये स्टेटिस्टिक्स है क्या चीज़। स्टेटिस्टिक्स की डेफिनेशन है, इट्स अ सेट ऑफ मैथमेटिकल प्रोसीजर्स फॉर समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑब्जर्वेशंस। दीज ऑब्जर्वेशंस आर टिपिकली न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल फैक्ट्स अबाउट स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स, एंड दे आर यूजुअली रेफर्ड टू एज डेटा। यानी बहुत सारी आपकी ऑब्जर्वेशंस को समराइज करना और इंटरप्रेट करने के लिए कुछ मैथमेटिकल प्रोसीजर्स हैं। और ये आपकी ऑब्जर्वेशंस होती क्या हैं, ये न्यूमेरिकल डेटा होता है लोगों के बारे में, चीज़ों के बारे में, इसको हम डेटा कहते हैं ऑब्वियसली। अब इसकी जो दो ब्रांचेस हैं स्टेटिस्टिक्स की, पहली को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स, या इस तरह समझ लें कि डेटा को डिस्क्राइब करने की स्टेटिस्टिक्स, और इसको हम यूज़ करते हैं समराइज करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए। और दूसरी है इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स, ये वो ब्रांच है स्टेटिस्टिक्स की जिसमें आप एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेते हैं और उससे कोई इन्फरेंस ड्रॉ करते हैं अबाउट अ लार्जर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन कह लें उसको, वो लोग भी हो सकते हैं, वो चीज़ें भी हो सकती हैं। तो आप कम डेटा से इन्फर करने की कोशिश करते हैं एक बड़ी पॉपुलेशन के बारे में। एक और इन दोनों में फ़र्क करने का आसान सा तरीका ये है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जनरली आसान होती है और इन्फरेंशियल थोड़ी सी उसके लिए मज़ीद चीज़ें समझनी पड़ती हैं। अब इसको ज़रा
इलस्ट्रेट हुआ हुआ भी देखते हैं। आप अपनी स्लाइड पे लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब है, एग्जांपल दी हुई है कि एक डेटा है जिसमें आपको बता रहा है कि 30% लोग येलो हैं, 20% रेड हैं, 25% ग्रे हैं एंड सो ऑन। यानी सारे का सारा डेटा इसके पास है और इसके बीच में से उसने बता दिया कि कौन से लोग क्या परसेंटेज है उनकी टोटल डेटा में। अब आप ये जो स्टेटिस्टिक्स की ब्रांच है, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स, इसमें आप लोग इस तरह की चीज़ें देखते हैं जैसे मीन होता है, मीडियन होता है, मोड होता है, परसेंटेजेस होती हैं, और हर जगह आपको ये चीज़ें नज़र आती हैं। आप अखबार उठा के देख लें, इतने परसेंट लोगों ने इमरान खान को वोट दिया, इतने परसेंट ने नवाज शरीफ को दिया, इतने परसेंट लोग जो है इस्लामाबाद के वो ये इन इस तरह के रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, इतने परसेंट इस तरह के रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, पिछले एक हफ्ते में मीन टेम्परेचर ये रहा, इस दफ़ा बारिशें मीन इतने मिलीमीटर हुई। अब ये चीज़ इतनी ज़्यादा मशहूर इसलिए है कि यूज़फुल है बहुत ज़्यादा। अब कौन इतनी डिटेल में देखता रहेगा कि आपका जो बैट्समैन है उमर अकमल, उसने पहले मैच में क्या किया, दूसरे में क्या किया, कब जल्दी आउट हो गया, कब लेट आउट हुआ। एक सिंपल आप देख लेते हैं कि उसका मीन क्या था स्कोर करने का, जिसको हम कहते हैं बैटिंग एवरेज, तो पता चलता है जी फ़र्ज़ करें वो 40 थी, तो उससे आपको उसकी 10 साल की बैटिंग एक वर्ड में समझ आ जाती है कि वो कैसी बैटिंग करता रहा है। शाहिद अफरीदी ने टोटल 400 मैच खेले, टोटल हंड्रेड्स और फिफ्टीज कितनी की, 16-17 की, तो आपको समझ आ जाता है कि वो तकरीबन 4% मैचेस में कोई अच्छे स्कोर कर सका था, बाकी सब में जल्दी आउट हो जाता था। तो अब ये जो स्टेटिस्टिक्स होती हैं, परसेंटेजेस होती हैं, ये आपको 20-25-25 साल के डेटा को एक दो तीन वर्ड्स में आपके सामने रख देती हैं और आपको सारी बात भी समझ आ जाती है। इसलिए ये बहुत यूज़फुल भी हैं और इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है, मशहूर भी हो गई हैं। जो दूसरी इसकी टाइप है वो है इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स। फिलहाल हम सिर्फ इतना देखते हैं जो आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, मज़ीद इसको इंशाल्लाह आगे देखेंगे इसी लेक्चर में। इसमें आप ये जो एक डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं आप बेल शेप कर्व में, ये पॉपुलेशन है, फ़र्ज़ करें इस्लामाबाद की पॉपुलेशन है ये, और इसके अंदर से आपने तीन सैंपल ले लिए, जो आपको तीन सैंपल्स की अगेन बेल कर्व्स छोटे वाले नज़र आ रहे हैं। तो ये जो तीन सैंपल्स आप ले लिए, इनमें से आप इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करेंगे कि पूरी की पूरी इस्लामाबाद की पॉपुलेशन कैसी है, इसको कहते हैं इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स। तो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स के कॉन्टेक्स्ट में आप ज़रा इमेजिन करें कि ये ना हो और आपको किसी को बताना पड़ जाए कि शाहिद अफरीदी ने जो 400 मैचेस खेले हैं उसमें कैसे स्कोर करता रहा है। वो तो ज़ाहिर है फिर आप बताएंगे जी कि पहला मैच कीनिया में हुआ था और उसमें उसने बहुत जल्दी 100 कर ली थी, फिर उसके बाद एक दूसरा मैच हुआ उसमें 60 रन्स किए, फिर तीसरे मैच में 0 हुआ और फिर बहुत सारे 0 हुए और वो 4 रन्स बने और आते ही उसने ऊंची शॉट मार दी। तो जब तक आप शाहिद अफरीदी के बारे में बताना शुरू करेंगे और जब वो ख़त्म होगा, तो जो पूछने वाला होगा वो यकीनन जो जो आपसे जानना चाहता था वो यकीनन बोर भी हो चुका होगा और शायद आपकी इन्फॉर्मेशन उसके काम की भी नहीं रही हो नहीं रहेगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और इसका ना होना बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने शुरू में एक बंदे का कहा था कि वो 4 बकरियों की तस्वीरें बना के तो फिर एक तख्ती पे लिख के तो उसको गर्म करेगा और बाद में देखेंगे कि वापस आके कि अच्छा कितनी बकरियां थी। तो ऐसे ही है जैसे जैसे आप बग़ैर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के शाहिद अफरीदी की बैटिंग के बारे में बताना शुरू कर दें। ये जो स्लाइड पे राइट साइड पे आपके सामने एक हायरार्किकल डायग्राम बनी हुई है, ये बता रही है कि स्टेटिस्टिक्स में डिस्क्रिप्टिव होता है और इन्फरेंशियल होता है, और फिर इन्फरेंशियल के अंदर एस्टिमेशन होती है और हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है। एस्टिमेशन में आप पॉइंट एस्टिमेशन भी कर सकते हैं और इंटरवल एस्टिमेशन भी कर सकते हैं। अब ये चीज़ें क्या हैं इंशाल्लाह हम इनको थोड़ी देर में देखते हैं, एक छोटी सी ब्रेक करते हैं और उसके बाद मिलते हैं। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे पॉइंट एस्टिमेट और इंटरवल एस्टिमेट की। ये जो आपको अपनी स्लाइड पे राइट साइड पे नीचे एक इलस्ट्रेशन नज़र आ रही है, इससे आपको समझ आएगी कि इन दोनों में फ़र्क क्या है।
अगर आपसे कहा जाए कि आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हाउस में वॉशरूम्स कितने हैं, तो अगर आप पॉइंट एस्टिमेट लगाएंगे तो आप कहेंगे मेरे ख़्याल में उसके अंदर 65 वॉशरूम हैं। लेकिन अगर आप इंटरवल एस्टिमेट अपना बताएंगे तो आप कहेंगे मेरे ख़्याल में 50 और 75 के दरमियान कोई फिगर होगी। तो बेसिकली पॉइंट एस्टिमेट जो होता है वो एक एक फिक्स्ड या पर्टिकुलर वैल्यू एस्टिमेट करता है, और इंटरवल एस्टिमेट जो होता है वो एक रेंज बताता है, एक लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट बताता है, एक अपर कॉन्फिडेंस लिमिट बताता है, और उसके दरमियान जो इंटरवल होता है वो आपका इंटरवल एस्टिमेट होता है। अब जी हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग की तरफ, और उससे पहले कुछ स्टेटिस्टिक्स की फंडामेंटल्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे बात करते हुए हमें इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको कह लें एक छोटा सा 5 मिनट का रिफ्रेशर सा आपकी स्टेटिस्टिक्स की नॉलेज पे। स्टेटिस्टिक्स में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, एक को कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी और एक को कहते हैं डिस्पर्शन। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है कि आपके डेटा में एवरेज की करीब या दूर होने की कितनी टेंडेंसी है। इसके तीन मेजर्स होते हैं, एक को कहते हैं मीन, एक को कहते हैं मीडियन और एक को कहते हैं मोड। मीन बड़ा कॉमनली यूज़ होता है, इसको एवरेज भी टेक्निकली थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन बहरहाल मीन और एवरेज एक ही चीज़ होते हैं। मीन कैसे निकाला जाता है कि आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं आप उन सबको जमा कर लें और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो था उस पे डिवाइड कर दें। जैसे आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 पांच फिगर्स हैं, ये पांच वैल्यूज़ हुई, इन सबको आप जमा करेंगे, 5 + 4 + 3 + 2 + 1 15 हो गया, और उसको जितनी टोटल वैल्यूज़ थी यानी पांच वैल्यूज़ थी उस पे डिवाइड कर दें, तो 15 / 5 3 आपकी मीन या एवरेज आ जाएगी। मीडियन मिडिल वाली वैल्यू को कहते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 को आप छोटे से बड़े सीक्वेंस में लिखें तो दरमियान में 3 आता है, तो आपके डेटा का मीडियन 3 हो गया। और मोड उस नंबर को कहते हैं जो रिपीट हो रहा होता है सबसे ज़्यादा, यानी फ़र्ज़ करें डेटा होता है 1, 3, 3, 2, 3, 9, 3, 4, 3, तो इसमें 3 जो है वो 4 बार आया, इसलिए इस डेटा में आपका मोड 3 है। तो मीन, मीडियन, मोड आपको बताते हैं कि डेटा अपने दरमियान की तरफ कितना कंसंट्रेटेड है या नहीं कंसंट्रेटेड है। दूसरी चीज़ होती है डिस्पर्शन, इसको वेरिएशन भी कहते हैं। डिस्पर्शन के भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, लेकिन जो मशहूर हैं चार वो है, सबसे पहला रेंज। रेंज का मतलब होता है सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू का फ़र्क, यानी आपका डेटा 5 से ले के 25 तक है तो आपकी रेंज हो जाएगी 25 - 5 यानी 20 आपकी रेंज हो जाएगी। इंटरक्वार्टाइल रेंज, आप अगर अपने डेटा को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें, 25-25% के 4 हिस्से कर दें, तो जो दरमियान वाले 2 हिस्से होते हैं उनको, उनकी रेंज को इंटरक्वार्टाइल रेंज कहते हैं। यानी अगर आपका डेटा है 1 से ले के 100 तक नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन अनटिल 100, तो इंटरक्वार्टाइल रेंज होगी 26 से ले के 75 तक, यानी आपकी इंटरक्वार्टाइल रेंज इस केस में होगी 75 - 25 = 50। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है जी? स्टैंडर्ड डेविएशन आम जुबान में हम कहें तो ये एक सेट ऑफ डेटा की अपने मीन से ऑन एवरेज कितनी दूरी है, यानी अगर मीन 5 है तो डेटा 5 से कितना दूर है, हायर साइड पे भी और लोअर साइड पे भी। अब आप अगर नॉर्मल कर्व अपने दिमाग में लाएं तो जिस या बेल कर्व जिसको हम कहते हैं, तो जिस डेटा की स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगी उसका कर्व फैला हुआ होगा, यानी एक कह ले मोटा सा कर्व होगा, और जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगी उसका कर्व ऊंचा सा और पतला सा होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको डेटा के बारे में बड़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देती है कि ये डेटा स्प्रेड आउट है ज़्यादा या ये डेटा कंसंट्रेटेड है,
मीन के अराउंड, यानी ये डिस्पर्स्ड ज़्यादा है या डिस्पर्स्ड कम है, और वेरिएंस जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। ये इसमें इसको कैलकुलेट करना और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने में फ़र्क होता है। कुछ जगहों पे स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा यूज़फुल होता है, कुछ जगहों पे वेरिएंस ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो ये कुछ बेसिक्स थी स्टेटिस्टिक्स थी कि जो मैं आई थॉट कि आप लोगों के साथ शेयर की जाए। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ होती है, किसी भी डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन। आपने बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशंस के नाम सुने होंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम गॉसियन भी कहते हैं, जिसको हम बेल कर्व भी कहते हैं, फिर ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, बेटा डिस्ट्रीब्यूशन होती है, बहुत सारी आपको सॉफ्टवेयर में 20-25 के जो स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर होते हैं 20-25 डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएंगी। मज़ीद भी हो सकती हैं डिस्ट्रीब्यूशंस। हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली आपके पास जितनी भी डेटा की वैल्यूज़ हैं उनको आप लिखते हैं एक सीक्वेंस में कम से ज़्यादा की तरफ, और जो ज़्यादा बार अकर हो रही होती हैं उनको इंडिकेट कर देते हैं। तो जब जो आप ये करते हैं इससे जो शक्ल बनती है डेटा की उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब जो इलस्ट्रेशन या कर्व या तस्वीर बनती है एक डेटा की, उसको बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप डेटा को छोटे वैल्यू से बड़ी वैल्यू तक रेंज करते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें मिक्स डेटा है 1, 3, 7, 9, 4, 3, 7, 2, 5, 13, तो आप सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, एंड सो ऑन। जो जो आपके पास है, जो नहीं है ज़ाहिर मिस कर देंगे। फ़र्ज़ करें 4 नहीं था तो 4 नहीं लिखेंगे। अब जो ज़्यादा बार आया यानी 2 अगर 2 बार आया तो 1 एक होगा और 2 दो बार होंगे, यानी 2 का स्टैक बनता जाएगा। 1 में फ़र्ज़ करें अगर ये ईंटें होती तो 1 में एक ईंट पड़ी हुई है, और जहाँ पे 2 है वहाँ पे 2 ईंटें पड़ी हुई हैं। फ़र्ज़ करें 6 4 बार आया था तो 6 वाली जगह पे 4 ईंटें पड़ी हुई हैं। तो आप इस तरह जब अपने डेटा को अरेंज करेंगे तो एक तस्वीर सी बन जाएगी, एक शक्ल सी बन जाएगी, एक इलस्ट्रेशन सी बन जाएगी। उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा। अब इस ये जो तस्वीर बनेगी, शक्ल बनेगी, डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी, इसके अंदर आपके सारे डेटा पॉइंट्स मौजूद होंगे जो आपने ऑब्ज़र्व किए या जो आपका सैम्पल था, यानी 100% डेटा आपका इस डिस्ट्रीब्यूशन में मौजूद है। इन अदर वर्ड्स इसको हम कहते हैं मैथ की टर्म में कि एरिया अंडर द कर्व इज़ 1, यानी 100% डेटा मेरा इस डिस्ट्रीब्यूशन में मौजूद है। एरिया अंडर द कर्व इज़ 1। अब होता क्या है कि ये जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं इनको किसी न किसी करेक्टरिस्टिक से डिफ़ाइन किया जाता है। जैसे हमारी नॉर्मल या बेल कर्व या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिफ़ाइन करते हैं। हम नॉर्मल कर्व बता के फिर बताते हैं कि इसका मीन फ़र्ज़ करें 50 है या 60 है या 100 है या 2, जो भी है, और स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी 4 है, 5 है। तो इससे पता लगता है कि हमारा कर्व वो कैसा होगा, वो पतला होगा, मोटा होगा, लंबा होगा, छोटा होगा। वो जो 2, 3, 4 करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आपको फिर उस कर्व की एग्जैक्ट शेप बताते हैं। अभी हम अगली स्लाइड पे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे आप ये जो बॉटम वाली तस्वीर है इसको देखें तो ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और इसका मीन 67 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 4.671 है, और n इज इक्वल टू 123 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इसके अंदर 123 डेटा की वैल्यूज़ हैं। इसी तरह आप राइट साइड पे ऊपर वाली तस्वीर को देखें तो ये बाईमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके अंदर दो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। इसका मीन 71 है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 11.508 है, और इसके अंदर 246 डेटा की एंट्रीज़ हैं। इसी तरह ये जो तीसरी है ये रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मीन 3.5 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1.871 है, और इसमें 6 वैल्यूज़ हैं। यानी आप देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 का सब सब एक एक बार अकर हुई हैं और 6 वैल्यूज़ हैं इसके अंदर। तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक उसकी पर्टिकुलर शेप होती है जो उसके डेटा से बनती है, और वो कुछ करेक्टरिस्टिक्स से डिफाइन होती है। जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन
मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिफाइन होती है। बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशंस में मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन देखा जाता है। बाज़ में हम देखते हैं सेंट्रल वैल्यू, लोअर वैल्यू, हायर वैल्यू, मुख्तलिफ भी हो सकती हैं, लेकिन कॉमनली मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत सारों में इस्तेमाल होता है। अब ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है या जो बेल कर्व है, इसको बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है। और फ्रीक्वेंटली क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि नेचर में जो भी चीज़ें अकर हो रही हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल में अकर हो रही होती हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल अपनी क्लास में लोगों से पूछें कि उनकी हाइट कितनी है, और आप उसको उसी तरह लिखना शुरू कर दें जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे छोटी पहले लिखें, फिर उससे बड़ी, और जो ज़्यादा बार अकर हो रही है उसको एक दूसरे के ऊपर रखें, तो आपको एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी। इसी तरह आप एक फैक्ट्री में खड़े हो जाएं और देखें कि जो पार्ट्स गलत बन रहे हैं वो कितने गलत बन रहे हैं, मीन से कितना दूर हैं। यानी अगर आपके कस्टमर ने आपको कहा था कि मुझे 16 इंच का कॉलर चाहिए, तो जो गलत शर्ट बनी वो 16 इंच से कितनी दूर है, वहाँ भी आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी। आपका जो आखिरी क्विज़ हुआ उसमें आप ज़रा स्कोर्स देख लें अपने, तो आपको पता चलेगा कि वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इसी तरह आपके IQ स्कोर्स, इसी तरह आपकी तनख्वाहें, इसी तरह आपके सर के बाल, इसी तरह इस्लामाबाद में गाड़ियाँ कितनी हैं, किस सेक्टर में, इसी तरह इस्लामाबाद में घरों की कीमतें कितनी हैं, सब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो उसकी इस वजह से कि नेचर में जितना भी डेटा होता है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नज़र आता है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा यूज़ भी होती है मैथमेटिक्स में, क्योंकि ज़्यादातर केसेस ही ऐसे आते हैं जो उस डिस्ट्रीब्यूशन पे फिट उतर रहे होते हैं। अब ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप अपनी स्लाइड पे बॉटम पे देख रहे हैं। पहली बात कि इसके मीन, मीडियन और मोड सब एक ही होते हैं। यानी अगर इस किसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 25 है, तो उसका मीडियन भी 25 होगा और मोड भी 25 होगा। अब दूसरा ये कि इसका कर्व सिमेट्रिकल होता है सेंटर के सेंटर, अब जब आप उसको देखते हैं तो आपको वो टेढ़ा पेढ़ा नहीं लगता, बल्कि ऐसे लगता है कि सेंटर के अराउंड फैला हुआ है। आधी वैल्यूज़ इसकी सेंटर के राइट पे होती हैं और आधी लेफ्ट पे होती हैं, और टोटल एरिया अंडर द कर्व इज़ 1। अब ये तकरीबन सारे डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा ही होता है, नॉर्मल में भी ऐसा ही होता है। अब ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हम जब बहुत ज़्यादा डेटा लेते हैं तब तो ये इस तरह हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली रिसर्च करते हुए जब आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा नहीं होता तो मीन, मीडियन, मोड हमेशा एक नहीं होते। प्रैक्टिकल रिसर्च करते हुए बड़ी मैसी होती हैं चीज़ें, इस तरह परफेक्टली स्मूथ नहीं होती हैं, लेकिन स्टिल उनको कंपेयर करना परफेक्टली स्मूथ अजम्पशंस के साथ, डेटा के साथ, आपको बहुत सारी नॉलेज देता है। इसलिए हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को की ये वाली प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हैं अपने डेटा को परखने के लिए कि वो नॉर्मल है या नहीं। आपको बहुत सारे टेस्ट फिर सॉफ्टवेयर में मिलते हैं, बड़े आसान टेस्ट होते हैं जिससे पता लगता है कि आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। जैसे एक वेल नोन टेस्ट है नॉर्मेलिटी टेस्ट जिसको हम कहते हैं, एंडरसन डार्लिंग टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट हैं जो आपको बताते हैं कि आपका डेटा किस हद तक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ही एक और चीज़ हम पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं जी स्कोर। जी स्कोर क्या होता है जी, कि आप किसी एक पर्टिकुलर डेटा पॉइंट के बारे में ये बताते हैं कि वो सेंटर से कितना दूर है। अब आप अपने सामने एक जो बेल कर्व देख रहे हैं, ये आपको बता रहा है कि इसके मिडल में एक लाइन लगी हुई है जिसके नीचे म्यू लिखा हुआ है या मीन लिखा हुआ है, तो आपके डेटा का भी कोई मीन होगा। फिर अगर आप उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, जो भी वैल्यू निकलती है, तो एक फ़र्ज़ करें आपका मीन 100 था और स्टैंडर्ड डेविएशन 4 थी, तो ये म्यू की जगह 100 लिखा जाएगा और 1 सिग्मा की जगह 104 लिखा जाएगा, यानी 100+4। और जहाँ -1 सिग्मा लिखा हुआ है वहाँ 100-4 यानी 96 लिखा जाएगा। तो एक परफेक्टली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 34.1% डेटा जो है वो 100 और 96 के दरमियान होगा, और इसी तरह 34.1% डेटा 100 और 104 के भी दरमियान होगा। यानी 96 और 104 के दरमियान आपके टोटल डेटा के 68.2% लाया करेगा। इसी तरह जो आपका 95.4% डेटा होगा वो 92 और 108 के दरमियान लाया करेगा।
एंड सो ऑन। तो ये चीज़ें स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपको आपको बता रही होती है कि आपका डेटा किस पॉइंट से, यानी 92 और 108, 96 और 104 के दरमियान कितने परसेंट डेटा लाए कर रहा है। इसी तरह आपने सिक्स सिग्मा का सुना होगा, तो वो सिक्स सिग्मा ये होता है कि मनफी तीन सिग्मा और प्लस तीन सिग्मा, यानी थ्री स्टैंडर्ड डेविएशंस टू द लेफ्ट ऑफ द डेटा एंड थ्री स्टैंडर्ड डेविएशंस टू द राइट ऑफ द डेटा, इसके दरमियान कितने परसेंट डेटा आपका लाए करता है। यानी अगर आप एक फैक्ट्री चला रहे हैं, उसमें आप रोज़ 1000 पार्ट्स बनाते हैं और उनमें से 99% -3 सिग्मा और +3 सिग्मा के दरमियान है, तो आप कहते हैं कि हाँ, मैं 99% पे परफॉर्म कर रहा हूँ और मेरा सिग्मा स्कोर जो है, इट इज़ क्लोज टू 6। इसके बारे में हमारे पास लेटर इन द कोर्स कुछ और डिटेल्स होंगी, तो फ़िलहाल खाली मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जी स्कोर्स रिलेट करते हैं सिग्मा से, और जब हम क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो 6 सिग्मा भी इसी चीज़ पे बेस्ड है। तो बेसिकली जी स्कोर आपको क्या बताता है, बॉटम लाइन, कि वो आपको बताता है कि आपका एक पर्टिकुलर डेटा पॉइंट मीन से कितना दूर है। अच्छा जी, अब आपके पास जब डेटा आ जाता है, किसी भी आपका सवाल था, कोई फ़र्ज़ करें आपका सवाल था कि इस्लामाबाद के लोग गाड़ी ड्राइव करते हुए तमीज़ से गाड़ी ड्राइव करते हैं, और आप मुख्तलिफ तरह से मेजर करने की कोशिश करते हैं कि वो एक्सप्रेशन आपको एक पर्टिकुलर बना लेते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें आप कहते हैं मैं देखूंगा कि सिग्नल कितनी बार तोड़ा ड्राइवर्स ने, तो आप डेटा इकट्ठा कर लेते हैं। तो अब आपकी ये बात कि इस्लामाबाद के ड्राइवर तमीज़ से ड्राइविंग करते हैं नहीं, ये प्रूव होगी या नहीं होगी, इसके लिए हम रिसर्च में एक प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है? बेसिकली रिसर्चर जो है वो कुछ अजम्पशंस करता है। आपको रिसर्च के लिए सवाल दिया गया कि बताएं इस्लामाबाद के ड्राइवर्स तमीज़ से ड्राइविंग करते हैं या नहीं, तो आपने अजम्पशन की कि मैं अज्यूम करता हूँ कि इस्लामाबाद के ड्राइवर तमीज़ से ड्राइविंग नहीं करते। आप ये भी अजम्पशन कर सकते हैं कि वो तमीज़ से ड्राइविंग करते हैं, कोई भी एक अजम्पशन कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये होता है कि जो आपकी अपनी प्रिडिक्शन होती है, जो आपके जहन में जो चीज़ होती है, जैसे ये कहना कि इस्लामाबाद के लोग तमीज़ से ड्राइविंग करते हैं, ये तो सबको पता था पहले, तो फिर आपको रिसर्च करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? तो आपके जहन में होगा ना कि नहीं, मैंने नोट किया है कि आजकल लोग तमीज़ से ड्राइविंग नहीं कर रहे, तो आप फिर अज्यूम, अपनी अजम्पशन को कहते हैं कि मैंने ये नोट किया है, लेकिन एज ए रिसर्चर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं गलत कह रहा हूँ, लेट्स टेस्ट इट नाउ। तो नल हाइपोथेसिस बेसिकली आपकी अजम्पशन है कि मेरी प्रिडिक्शन गलत है, इसको हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। अब ये कुछ भी हो सकता है, जैसे फ़र्ज़ करें आप ये देखना चाहते हैं कि आलू खाने से इंसान का वज़न बढ़ता है या नहीं बढ़ता, तो आपकी नल हाइपोथेसिस होगी कि लोगों के वज़न आलू खाने से पहले और आलू खाने के बाद बराबर होगा, ये नल हाइपोथेसिस है, यानी वज़न नहीं बढ़ता, पहले भी उतना ही था, आलू खाए तब भी उतना ही था। इसी तरह आप कुछ ऐसी अजम्पशन कर सक आपका रिसर्च क्वेश्चन ये हो सकता है कि आप सेचुरेटेड फैट्स खाएंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, यानी मैं दो ग्रुप रखूँगा, एक को सेचुरेटेड फैट्स खिलाऊँगा, एक को नहीं खिलाऊँगा, और मेरी नल हाइपोथेसिस ये होगी कि सेचुरेटेड फैट्स से चूंकि वज़न नहीं बढ़ता, इसलिए जिन्होंने खाया सेचुरेटेड फैट और जिन्होंने नहीं खाया, उन दोनों का कोलेस्ट्रॉल बराबर है, यानी सेचुरेटेड फैट्स डू नॉट इम्पैक्ट कोलेस्ट्रॉल। तो ये होगी आपकी नल हाइपोथेसिस। अब नल हाइपोथेसिस क्यों अज्यूम की जाती है, और
ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्यों नहीं अज्यूम की जाती, यानी हम स्टार्ट नल से क्यों करते हैं? इसके दो दो रीजंस हैं, और भी रीजंस हैं, लेकिन बड़े बड़े दो रीजंस आपको पता होने चाहिए। पहला रीज़न ये कि आप बेसिकली एक इस्टेब्लिश्ड बॉडी ऑफ नॉलेज को चैलेंज करने जा रहे होते हैं। दुनिया कहती है कि आलू खाने से वज़न नहीं बढ़ता, आप एक रिसर्च करने जा रहे हैं कि नहीं नहीं वज़न बढ़ता है, तो फिर आप एज अ हम्बल रिसर्चर आप ये नहीं कहते कि नहीं मैं ठीक कह रहा हूँ, आप कहते हैं भाई आप लोग ठीक कह रहे हैं, जो दुनिया की इस्टेब्लिश नॉलेज है वो ठीक है, मैं आप ही की बात को ठीक अज्यूम करके अपना डेटा आपके आगे पेश कर रहा हूँ, देखते हैं आपकी बात ठीक है या नहीं है। यानी आप इसको कह लें ह्यूमिलिटी का इजहार कर रहे होते हैं और दुनिया के साथ कन्फॉर्मेंस का इजहार कर रहे होते हैं, लेकिन अपना डेटा पेश कर रहे होते हैं। और दूसरी रीज़न ये है कि आप नल हाइपोथेसिस को जब अज्यूम करते हैं तो आपको कोई चीज़ कंपेयर करने के लिए मिल जाती है। यानी आप कहते हैं कि आप लोगों ने पहले बहुत सारी रिसर्च की जिससे पता चल गया है कि आलू खाने से वज़न नहीं बढ़ता, तो अब मेरा डेटा उस चीज़ से कंपेयर होगा। अगर आप स्टार्ट ही इस चीज़ से करेंगे कि नहीं मेरा डेटा ठीक है, तो फिर आप कंपेयर किस चीज़ से करेंगे? तो दो वजह हैं, एक वजह ये कि आप इस्टेब्लिश नॉलेज को सही समझ के आगे चलते हैं ह्यूमिलिटी के साथ, और इस अजम्पशन के साथ कि यार मेरी किसी गलती से अच्छी खासी लोगों की नॉलेज ख़राब ना हो जाए। दूसरी रीज़न ये कि आपको कंपैरिजन करने के लिए कोई बेसलाइन मिल जाती है जिसकी बेसिस पे आप अल्टीमेटली इस्टेब्लिश कर लेंगे कि आप ठीक कह रहे थे या नहीं कह रहे थे। जैसे किसी अदालत में होता है, अदालत में जब किसी को आप ले के जाते हैं कि इसने चोरी की है, तो जज कहता है कि वी विल अज्यूम दैट ही इज़ इनोसेंट अनटिल द लॉयर प्रूव्स दैट ही इज़ गिल्टी। यानी नल हाइपोथेसिस वहाँ पे होती है कि ही इज़ नॉट अ थीफ, आप प्रूव करें कि ये थीफ है, तो अज्यूम हम ये करेंगे कि वो थीफ नहीं है। इसी तरह रिसर्च में भी यही होता है। और आप फिर बेसिकली ये देख रहे होते हैं कि अब जाहिर है हर जब आप डेटा को कंपेयर कर रहे होते हैं, फ़र्ज़ करें यही कोलेस्ट्रॉल वाला डेटा के सैचुरेटेड फैट्स खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा या नहीं, अब हमेशा तो ये नहीं होगा ना कि बिल्कुल एग्जैक्टली वही कोलेस्ट्रॉल आए जो डॉक्टरों ने कहा। हो सकता है आपने उसको सैचुरेटेड फैट खिलाए हों, लेकिन वो सुबह कोई और अपनी दवाई खा के आया हो जिसका फ़र्क पड़ गया हो, या जिन्होंने सैचुरेटेड फैट जिनको आपने नहीं खिलाए थे, हो सकता है कल रात को उसने देसी घी का खाना खाया हो अपने घर पे। तो कुछ रैंडमनेस भी होती है डेटा के अंदर। तो फिर आपने ये देखना होता है कि आप अज्यूम करते हैं कि ये इन लोगों का फ़र्क कोई नहीं पड़ा सैचुरेटेड फैट खिलाने से, और जो थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा है वो रैंडमनेस की वजह से है। जो इनका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ऊपर नीचे आ रहा है, दैट इज़ ड्यू टू रैंडमनेस। उसकी वजह ये नहीं है कि इन्होंने सैचुरेटेड फैट खाया है इस वजह से इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। लेकिन फिर आपने फैसला करना होता है यार मैं कब तक रैंडमनेस को एट्रीब्यूट करता रहूँगा। अब आप एक इशारे पे खड़े हो गए अपनी पहली रिसर्च पे कि इस्लामाबाद के लोग इशारा नहीं तोड़ते, और आपने फौरन देख लिया कि यार ये मैंने तीन लोग देखे और तीनों ने इशारा तोड़ दिया। आप कहते हैं खैर है यार ये लोग होंगे कहीं बीच में से कुछ निकल आते हैं ना, असल में इस्लामाबाद के लोग नहीं तोड़ते, या ये कहीं और से आए होंगे इसलिए इन्होंने तोड़ दिया। ठीक है, तीन लोगों को आपने रैंडम को एट्रीब्यूट कर दिया। अब फ़र्ज़ करें दूसरे इशारे पर जाते हैं, वहाँ पर भी तीन चार तोड़ रहे हैं, और तीन चार ही आए थे, तीन चार ही तोड़ रहे हैं, तो आप कब तक कहते रहेंगे कि ये रैंडमनेस है? फिर एक वक्त आता है कि आप कहते हैं नहीं ये रैंडमनेस से बढ़ गई है बात, अब ये मेरी जो नल हाइपोथेसिस है वो गलत प्रूव हो रही है, असल में तो लोग इशारा तोड़ रहे हैं। तो बेसिकली रिसर्च का प्रोसेस ये होता है कि आप अज्यूम करते हैं कि चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, और वो जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक नहीं है, और ये जो छोटी मोटी मेरे ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिनसे प्रूव हो रहा है कि मैं ठीक हूँ, वो रैंडमनेस की वजह से है। लेकिन फिर आप एक लाइन लगा देते हैं कि नहीं, जब इससे ज़्यादा होनी शुरू हो जाएंगी फिर मैं रैंडमनेस को एट्रीब्यूट नहीं करूँगा, फिर इसका मतलब है अंडरलाइंग फिनोमेना वही है जो मैं जिसकी वजह से मेरे दिमाग में रिसर्च करने का फ़ैसला किया गया था कि नहीं रिसर्च करते हैं, दुनिया जो कह रही है ठीक नहीं है, समथिंग एल्स इज़ हैपनिंग। तो दिस इज़ हाउ दिस हाइपोथेसिस टेस्टिंग वर्क्स। अब मैं आपको दो एग्जांपल्स बताता हूँ हाइपोथेसिस की, जिससे आपको हाइपोथेसिस फ्रेम करने का आइडिया होगा कि हाइपोथेसिस लिखते कैसे हैं। ये एग्जांपल जो आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताई कि
आपका टॉपिक आपको ये दिया गया कि सेचुरेटेड फैट कंजम्पशन इंक्रीजेज एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। अब 13 ग्राम सेचुरेटेड फैट एक बंदा एक दिन में खा सकता है। अब आपका एक्सपेरिमेंट क्या था कि आपने 100 लोग लिए, उनमें से 50 को आपने बल्कि आप ऐसे ये समझें कि आपने कुछ लोग लिए और उन सबको 13 ग्राम से 30% ऊपर सेचुरेटेड फैट खिला दिए। अब जो आप जिनको आपने खिलाए सेचुरेटेड फैट, आपको ये भी पता है कि कोलेस्ट्रॉल का स्टैंडर्ड लेवल 146 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। तो आप थोड़ी देर बाद उनका कोलेस्ट्रॉल चेक करेंगे। आपकी नल हाइपोथेसिस ये है कि खैर है, इन्होंने सेचुरेटेड फैट खाए हैं, लेकिन इनकी जो मीन आएगा यानी जो एवरेज आएगी इनकी कोलेस्ट्रॉल की, वो 146 या उससे कम होगी जो स्टैंडर्ड है। ये हमारी नल हाइपोथेसिस है, यानी मैंने बेशक इनको खिला दिया बट देयर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स विल नॉट इंक्रीज। इन अदर वर्ड्स, आप अपनी जो आपका टॉपिक था उसको आप निगेट कर रहे हैं, नल हाइपोथेसिस, उसको आप कह रहे हैं कि नहीं मेरा टॉपिक ठीक नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता 30% ज़्यादा खाने से, इनकी इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल 146 से या नीचे होगा या 146 तक होगा। और फिर अगर कोई एक आध दो चार ऊपर नीचे हो भी गए तो वो रैंडमनेस की वजह से होगा, वो उसकी वजह ये नहीं है कि इन्होंने सेचुरेटेड फैट्स खाए थे। लेकिन फिर आप अपने जहन में एक लाइन भी लगा देंगे कि ये 100 लोग थे, 2, 4, 6, 7, इनको तो मैं रैंडम समझ लूँगा, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें इनमें से 50-60 का बढ़ गया फिर क्या होगा? फिर आपको अपनी नल हाइपोथेसिस ऑब्वियसली रिजेक्ट करनी पड़ेगी। आपको जाके बताना पड़ेगा कि देखें 2-4 तुक्के तो गलत मेरे हो सकते थे, लेकिन ये तो सारे के सारे ऐसे निकल आए हैं, या उस लाइन से आगे चला गया जो मैंने अपने लिए एक लाइन लगाई थी। वो लाइन जो है वो भी रिसर्च में एक बड़ी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, हम आगे उसको पढ़ेंगे कि वो क्या चीज़ है। अब आप क्लास में एक एक्सरसाइज कर सकते हैं कि आप कोई भी अपने जहन में रिसर्च का टॉपिक लेके आएं, एक एक्सपेरिमेंट सजेस्ट करें और अपनी नल हाइपोथेसिस लिखें, फ्रेज में भी और मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी लिखें आप, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारी इस स्लाइड पे लिखा हुआ है। एक रिसर्च टॉपिक है, फिर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक नल हाइपोथेसिस लिखी गई और उसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखी गई। एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। आपको रिसर्च टॉपिक ये दिया गया कि अगर जहाँ पे आप बैठे हैं वहाँ पे गर्मी है, वहाँ का मौसम गर्म है, तो आपके अंदर एग्रेसिवनेस पैदा होती है। ये आपको टॉपिक दिया गया। आपने एक्सपेरिमेंट क्या डिज़ाइन किया कि आपने 40 अपनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सिलेक्ट कर लिए रैंडमली, उनमें से 20 को आपने एक बहुत गर्म कमरे में बिठा दिया रैंडमली, किसी को भी सिलेक्ट करके। अब उनमें से कोई हो सकता है कोई वैसे ही गुस्से वाला बंदा हो सकता है कोई वैसे ही ठंडा बंदा हो, रैंडमली सिलेक्ट करके आपने गर्म कमरे में बिठा दिया और 20 को रैंडमली, अगेन वो भी उनमें से हो सकता है कि गुस्से वाला हो कोई गुस्से वाला ना हो, उनको ज़बरदस्त इन्वायरमेंट में एयर कंडीशन कमरे में बिठा दिया। अब आपने उन दोनों को कहा कि वो जो हमने पिछली टॉपिक में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था ओबेडियंस वाला, मिलग्रम्स ओबेडियंस एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट्स, आपने उसी तरह का सेटअप किया और गर्म कमरे वालों को भी कहा कि ये एक बंदा है जिसको आपने करंट लगाना है अगर उसने गलत जवाब दिया, और ठंडे कमरे वालों को भी कहा कि आपने करंट लगाना है अगर इस बंदे ने आपको गलत जवाब दिया सवालों के जवाब। तो आपकी नल हाइपोथेसिस क्या कहेगी? वो कहेगी कि जो गर्म कमरे वाला ग्रुप है वो ज़्यादा करंट नहीं लगाएंगे व्हेन कंपेयर टू एयर कंडीशन्ड कमरे वाला ग्रुप। और आप लिखेंगे कैसे अपनी नल हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट को? एवरेज ऑफ ग्रुप ए विल बी इक्वल टू एवरेज ऑफ ग्रुप बी, ये आपकी नल हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट है। यानी जो आपको टॉपिक दिया गया, आप कहेंगे नहीं ये ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका डेटा फिर अल्टीमेटली ऐसा ऐसा प्रूव करेगा कि वो ठीक बात थी या नहीं थी। जैसे वो आप एक इश्तिहार देखते हैं ना पंखे का, कि पंखा जब घूम के बेगम साहिबा की तरफ आता है ठंडी हवा देता है तो वो अपने नौकरों को डांटना बंद कर देती हैं, लेकिन जब पंखा दूर होता है और बेगम साहिबा को गर्मी लग रही होती है तो वो दोबारा डांटना शुरू कर देती हैं। तो
ये उस तरह की एक एजम्पशन है जिसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया गया और उसके लिए नल हाइपोथेसिस लिखी गई। फिलहाल मैं आपको ये नहीं कह रहा कि गर्मी से कुछ होता है या नहीं होता, ये सिर्फ हम पढ़ रहे हैं कि हाइपोथेसिस लिखते कैसे हैं। अब ये जो नल हाइपोथेसिस है, इसका ऑपोजिट क्या होता है? इसका ऑपोजिट होता है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। यानी कि पीछे जो हमने हमारी नल हाइपोथेसिस थी एच नॉट, वो ये थी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल वाले एग्जाम्पल में कि मीन ऑफ द पीपल हु वर गिवन सेचुरेटेड फैट्स, देयर मीन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल वाज लेस देन और इक्वल टू 146। तो ऑल्टरनेट क्या होगी? दैट देयर मीन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इज ग्रेटर देन 146। इसी तरह दूसरे एक्सपेरिमेंट में जहाँ हम हीट एग्रेशन देख रहे थे, हमारी नल हाइपोथेसिस थी दैट द मीन ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक गिवन बाय ग्रुप ए इज इक्वल टू द मीन ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक गिवन बाय ग्रुप बी। ऑल्टरनेट क्या होगी? दैट मीन ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू मीन ऑफ बी। तो नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अब आजकल प्रैक्टिकली रिसर्च करते हुए इस तरह बहुत डिटेल में हाइपोथेसिस फ्रेम तो नहीं की जाती। मैंने आपको जैसे बताया बड़ी मसी सिचुएशन होती है और इस तरह एग्जैक्टली फिगर्स मैच नहीं करती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हों कि एक रिसर्चर शुरू या इसी एजम्पशन पे करता है कि मैं गलत कह रहा हूँ, मैं ठीक नहीं कह रहा, जो दुनिया कह रही है वो ठीक है, अब देखते हैं मेरा डेटा क्या कहता है। अच्छा जी, तो अब आप कब वो लेवल कब आएगा, वो लाइन क्या है जिसके क्रॉस होने के बाद आप कहेंगे कि नहीं भाई, मेरी नल हाइपोथेसिस जो मैंने अज्यूम की है वो ठीक नहीं है, मैं ये इस टॉपिक में कुछ मुझे हकीकत नज़र आ रही है। उस चीज़ को हम कहते हैं अल्फा लेवल। बेसिकली अल्फा लेवल क्या है? इट इज़ अ रीजनेबल स्टैंडर्ड फॉर रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस। इन मोस्ट केसेस जो जो वैल्यू है अल्फा की वो 0.05 सेट की जाती है, यानी कि आपके डेटा के 5% से ज़्यादा लोग अगर ऑपोजिट ऑफ योर अजम्पशंस जाना शुरू हो जाएं तो फिर आप कहते हैं कि नहीं, अब हमें नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करनी पड़ेगी। इन अदर वर्ड्स, आप नल हाइपोथेसिस तब कहते हैं, नल हाइपोथेसिस को तब रिजेक्ट करते हैं जब आप ये कह सकते हैं कि ये जो फॉर बाय चांस अलोन जो अकर हो रहा था वो 5% तक मैं उसको मान सकता था कि बाय चांस अलोन हो रहा है, लेकिन अब ये 5% से बढ़ गया है, तो चांस 5% से ज़्यादा नहीं होता है। ज़्यादातर चीज़ें कंफर्म करती हैं, अगर फंडामेंटल्स कुछ इस तरह के हैं कि इस सड़क पे तो कोई खड्डा है ही नहीं, तो फिर गाड़ी के टायर तो जो भी यहाँ से गुजरेगी नहीं पंक्चर होंगे ना, तो आपकी 5% से ज़्यादा गाड़ियों के टायर पंक्चर होना शुरू हो जाएं तो फिर आप कहते हैं नहीं, खड्डे तो होंगे, ज़रा देखते हैं फिर रोड को डिटेल में जाके। तो यहाँ लिखा हुआ है, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड एक्सेप्ट ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ओनली व्हेन फाइंडिंग्स एज एक्सट्रीम एज दोज ऑब्जर्व्ड इन द स्टडी वुड हैव अकर्ड बाय चांस अलोन लेस देन 5% ऑफ द टाइम। तो वो लाइन जो आपने लगाई कि इससे ज़्यादा अगर चीज़ें होना शुरू हो गई, वो लाइन नॉर्मली लोग 5% पे लगाते हैं, इससे ज़्यादा होना शुरू हो गई तो फिर मैं ये नहीं कहूँगा कि ये टोटली तुक्के पे हो रहा है या चांस की वजह से हो रहा है या ये वही लोग निकले हैं जिन्होंने रात को पराठे खाए थे। नहीं, अब ये 5% से बढ़ गया, अब हमें कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा कि शायद हमारी जो अजम्पशन थी वो सही नहीं थी और जो सैचुरेटेड फैट है उसकी कंजम्पशन का एलडीएल कोलेस्ट्रॉल पे असर पड़ रहा है। तो ये होता है जी अल्फा लेवल्स और इनका हाइपोथेसिस टेस्टिंग से ताल्लुक, और हाइपोथेसिस का डेटा से ताल्लुक और डेटा का रिसर्च से ताल्लुक। अब हम दोबारा थोड़ी सी ब्रेक करते हैं और इसके बाद हम हाइपोथेसिस को थ्योरी से रिलेट करेंगे। मिलते हैं जी थोड़ी देर बाद। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, ब्रेक
सबसे पहले हम लोग देख रहे थे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में अल्फा लेवल्स का क्या रोल होता है और कैसे हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते हैं। इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि ये कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं और इनको समझने में दुश्वारी होती है, वक्त लगता है। और अभी भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो जो PhD मुकम्मल कर चुके हैं इस सारे प्रोसेस से गुजर के और लेकिन अभी थ्योरी के इन टच नहीं है, तो उनको भी अल्फा लेवल, पी वैल्यूज, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, किन स्टैंडर्ड्स पर रिजेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, उनको इमीडिएटली उससे रिलेट करने में मुश्किल होती है। तो इट इज़ अंडरस्टैंडेबल अगर अभी आपको मुश्किल लग रही है, लेकिन एक बेसिक सी चीज़ ये समझ लें कि नंबर एक, आप जब कोई क्लेम करते हैं कि मैंने कोई डिस्कवरी की है तो स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि मेरी डिस्कवरी नहीं हुई है, मेरा क्लेम शायद गलत है। इसको हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। फिर हम कहते हैं कि अब ये नल यानी आपके क्लेम गलत होना कैसे साबित होगा, तो इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं अल्फ़ा लेवल, कि मेरा अल्फ़ा लेवल 0.05 है। इसका मतलब है कि जो मेरी एक्सट्रीम रीडिंग्स आ रही हैं ये प्रॉबली सिर्फ रैंडमनेस की वजह से आ रही हैं, असल में ये रीडिंग्स ऐसी नहीं होती हैं। लेकिन जब ये 5% से ज़्यादा आनी शुरू हो गई फिर मैं अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दूंगा, क्योंकि रैंडमनेस की वजह से ठीक है 1%, 2%, 3%, 4% तो आ गई, 5% भी आ गई, इससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। तो ये आपके सामने स्लाइड पे एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनी हुई है और इसके हायर एंड पे एक लाल रेड रंग की लाइन लगी हुई है। तो एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम्पल देख के समझना चाहते हैं तो यूँ समझें कि इस लाल लाइन, आप एक पॉपुलेशन है बहुत बड़ी, आपने उसके अंदर से सैंपल लिया और सैंपल बार बार इस लाल लाइन से राइट साइड पे आ रहा है, तो 1%, 2%, 3%, 4%, 5% तो आप बर्दाश्त कर लेंगे, आप कहेंगे ठीक है ये वैसे ही आ रहा है, असल में तो पॉपुलेशन सेंटर में ही है। लेकिन जब 5% या उससे ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा फिर आप कहेंगे नहीं, अब इसका मतलब है कि मेरी डिस्कवरी प्रॉबेबली ठीक है। तो ये बेसिक ज़ुबान में दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फा लेवल्स, पी वैल्यूज एंड एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस। तो ये जो आखिरी वाली लाइन काइंडली देखिएगा जो लिखी हुई है, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, यानी पहले जो आप कह रहे थे कि नहीं मैं गलत कह रहा हूँ उसको रिजेक्ट कर दें, आप ठीक कह रहे हैं, अल्टरनेट को एक्सेप्ट कर लें, सिर्फ उस वक्त व्हेन फाइंडिंग्स एज एक्सट्रीम एज दोज ऑब्जर्व्ड इन द स्टडी, यानी लाल लाइन से राइट राइट साइड पे जो फाइंडिंग्स हैं, वुड हैव अकर्ड बाय चांस अलोन लेस देन 5% ऑफ द टाइम, कि ये 5% से कम तक तो ठीक है, हमने कह दिया था कि ये तो तुक्के पे हो रही हैं, चांस पे हो रही हैं, लेकिन अब इससे ज़्यादा होनी शुरू हो रही हैं तो ये तुक्का और चांस नहीं है। इसका मतलब है कि अब पॉपुलेशन का मीन वो नहीं है जो हम समझ रहे थे, अब ये वो है जो मेरे सैंपल में आया है। मुझे उम्मीद है कि एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन गई होगी। अब आहिस्ता आहिस्ता आगे और चीज़ें देखते हैं तो प्रॉब्ली ये थोड़ी मज़ीद कन्फ्यूजन भी आती जाएंगी और थोड़ी थोड़ी क्लियर भी होती जाएगी। तो हाइपोथेसिस में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, अगर आप अपने जो आपने डिस्कवरी की, जो आपने एक नया आइडिया पेश किया, वो सिर्फ ये नहीं कि स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट आपने साबित करना है, बल्कि साथ साथ आपने ये भी साबित करना है कि इसका थ्योरी से भी रिलेशनशिप है। तो अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपके आइडिया को ट्रूली नॉवल एक्सेप्ट किया जाए, सिग्निफिकेंट माना जाए, तो ना सिर्फ आपने ये प्रूव करना होगा कि ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, यानी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी, आपका क्लेम ठीक स्टैटिस्टिकली साबित होगा, बल्कि साथ साथ ये भी बताना होगा कि ये थ्योरी में भी ग्राउंडेड है। ये जो मेजर थ्योरीज हैं दुनिया में जो भी आपसे आपके काम से रिलेटेड है उनके साथ भी इसका रिश्ता बनता है। रिश्ता ज़रूरी नहीं है कि उस थ्योरी के मुताबिक ही हो, उस थ्योरी के अगेंस्ट भी हो सकता है, लेकिन उस थ्योरी से रिलेशनशिप ज़रूर बताना है आपने। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे एक बड़ी मशहूर थ्योरी है रिसोर्स बेस्ड व्यू, वो ये कहती है कि एक फर्म के पास जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स होते हैं, जो उसके रिसोर्सेज होते हैं,
वो उन्हीं को ही जो फर्म सबसे अच्छा इस्तेमाल करती है वो कामयाब होती है। और एक और थ्योरी है जिसको हम कहते हैं रिसोर्स डिपेंडेंस थ्योरी, वो ये कहती है कि एक फर्म को अपने से एक्सटर्नल रिसोर्सेज को भी टैप करना पड़ता है टू बी ट्रूली सक्सेसफुल। यानी एक थ्योरी कह रही है कि अपने रिसोर्सेज पे रिलाई करके आप ट्रूली सक्सेसफुल होते हैं, एक थ्योरी कह रही है कि आपको एक्सटर्नल रिसोर्सेज को टैप करना पड़ता है तब आप ट्रूली सक्सेसफुल होते हैं। अब ये इनमें से कोई भी थ्योरी गलत नहीं है, हालांकि पहली दफ़ा सुनने से लगता है कि अपोजिंग थ्योरीज हैं। तो आप जो डिस्कवरी लेके आए हैं वो फॉर एग्जांपल ये रिसोर्स बेस्ड व्यू जो है, यानी अपने इंटरनल रिसोर्सेज पे को सही कैपिटलाइज करना, ये कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिनमें शायद बिल्कुल ट्रू हो, जहाँ पे आपके अपने रिसोर्सेज को सही यूज़ करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, जिनमें सप्लाई चेन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनमें वैल्यू चेन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो वहाँ पे ठीक होगी। लेकिन कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होंगी जहाँ पे आपके पार्टनर्स का रोल बहुत स्ट्रांग होता है, जहाँ पे सप्लाई चेन का वैल्यू चेन का रोल बहुत स्ट्रांग होता है, तो वहाँ पे दूसरी वाली थ्योरी यानी रिसोर्स डिपेंडेंस थ्योरी ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगी। तो आपने करना ये है कि जो भी आप डिस्कवरी करते हैं, जो भी आपकी थीसिस है, उसमें आपने अपने आप को किसी ना किसी थ्योरी से रिलेट करना है कि वो थ्योरी ये कहती है मेरा क्लेम, या उसको कॉम्प्लीमेंट करता है या रिजेक्ट करता है, कुछ भी हो सकता है, दोनों चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन उसमें एक आपने उनके साथ एक रिलेशनशिप ज़रूर वहाँ पे शो करना है। उसकी वजह मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, उसकी वजह ये होती है कि आप अपने आप को एक लार्जर स्कॉलरली कम्युनिटी का पार्ट बता रहे होते हैं, और आप बेसिकली जो हज़ारों सालों से दुनिया में रिसर्च हो रही है उस पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसको उसमें इजाफा कर रहे हैं, उसको बिल्ड कर रहे हैं, तो एक तरह से आप लार्जर साइंटिफिक कम्युनिटी का इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। तो अगर हम जैसे मैं थोड़ी देर पहले एक स्टेटिस्टिकली लाइकलीहुड को एक एनोलॉजी उसके साथ समझने की कोशिश की थी कि जैसे कोर्ट में हर बंदा जो है उसको इनोसेंट समझा जाता है जब तक इस्तगासा प्रूव नहीं कर देता कि वो गिल्टी है, तो ये स्टेटिस्टिकल लाइकलीहुड की एनोलॉजी थी। ग्राउंडेड थ्योरी की एनोलॉजी ये होगी कि जैसे कोर्ट में सिर्फ ये काफ़ी नहीं होता कि आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से प्रूव कर दें कि यही बंदा था, बल्कि साथ साथ आपको ये भी बताना होता है कि ये काम करने के लिए इसके पास कोई मोटिव भी था, इसको कोई फ़ायदा भी होना था, कोई जायदाद थी जो इसको मिलनी थी, कोई ज़ाती अनाद था, गुस्सा था इसका, उसके साथ लड़ाई थी जिसकी वजह से इसने ये किया। तो दो चीज़ें हो गई कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी यानी स्टेटिस्टिकली ठीक साबित हो गया, और साथ मोटिव भी कि ये जो साबित हुआ है इसके पीछे एक रीज़न भी था, इसको जायदाद मिलनी थी। तो इसी तरह स्टेटिस्टिक्स में स्टेटिस्टिकली लाइकली प्रूव किया कि हाँ मैं ये जो बात कह रहा हूँ ये बिल्कुल ठीक है, और साथ साथ उसको थ्योरी में भी ग्राउंड करना है, क्योंकि स्टेटिस्टिकली तो ये भी ठीक हो सकता है कि कल बारिश होगी या नहीं, मैं प्रूव कर दूँ अपनी थ्योरी से कि हाँ बारिश होगी कल, और हो भी जाए, लेकिन उस पर मुझे कोई PhD तो नहीं देगा ना, उस या मुझे MS की थीसिस मेरी प्रूव तो नहीं करेगा, मुझे डिग्री तो नहीं देगा, मुझे साथ साथ बताना पड़ेगा कि मैं किसी इम्पॉर्टेंट थ्योरी से रिलेट करके मैंने स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस साबित की है, और ये चीज़ अब दुनिया के काम आएगी, लार्जर साइंटिफिक कम्युनिटी के काम की बात की है मैंने। तो इस वक्त तक हाइपोथेसिस और थ्योरी के लिए इतना ही जी, आगे चलते हैं। अब चूंकि ये सारा टॉपिक ही, इनफैक्ट ये सारा सब्जेक्ट ही इससे रिलेटेड है, तो बात ये बार बार डिस्कस होती रहेगी, लेकिन जो मैंने आपको दो तीन फंडामेंटल्स बताई बस वो याद रखिएगा कि अगेन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। नंबर एक कि आपकी आप एक हम्बलिंग क्लेम से स्टार्ट करते हैं, आप ये कहते हैं कि जो मैं जो कह रहा हूँ वो प्रॉब्ली ठीक नहीं है, फिर आप कहते हैं कि खैर है 5% तक भी मेरे जो चीज़ें होती रही मैं उनको रैंडम समझूंगा, मैं उनको तुके समझूंगा, लेकिन उसके बाद अगर हुई तो फिर मैं समझूंगा कि नहीं मैं जो क्लेम कर रहा हूँ वो ठीक है। आगे चलते हैं जी, एक थोड़ा थोड़ा प्रोबेबिलिटी थ्योरी की तरफ जाना शुरू करते हैं। अब प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी, जैसे हम कहते हैं कि कल बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 50% है, कल लाहौर कलंदर जीत जाएंगे कराची किंग्स से, इसकी प्रोबेबिलिटी 3% है या 90% है, ये क्या चीज़ होती है। तो इस किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बेसिकली आपको दो स्टेटिस्टिक्स चाहिए होते हैं। नंबर एक कि आपने कितने इवेंट्स ऑब्जर्व किए, और उसको आप डिवाइड करते हैं
नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स पे, ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल अगर हम कॉइन फ्लिक की एग्जांपल ले लें तो हम देखना चाहते हैं कि हेड्स के आने की क्या एग्जांपल है। तो हेड क्या होता है, टोटल दो इवेंट्स हैं, एक हेड हो सकता है एक टेल हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगा, हेड चूँकि एक आ सकता है तो ऊपर एक लिखेंगे आप, और टोटल आउटकम्स क्या पॉसिबल हैं, या हेड पॉसिबल है या टेल पॉसिबल है, तो नीचे यानी दो पॉसिबल हैं तो नीचे आप दो लिखेंगे। तो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है यानी 50% है। इसी तरह अगर आप डाइस को देख लें, जो आप डाइस रोल करते हैं लूडो खेलते हुए, तो उसमें तीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके अंदर छः होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं टोटल, और उनमें से एक तीन है तो 1/6 हो जाएगी। तीन आना एक इवेंट है और टोटल आउटकम्स 6 हैं तो 1/6 हो जाएगी। इसी में अगर आप फर्ज करें दो डाई इकट्ठे रोल करते हैं और आप कहते हैं कि अब बताओ कि दोनों में तीन आने की क्या पॉसिबिलिटी है, तो दोनों में तीन आना अगेन एक ही इवेंट है, लेकिन जो नीचे पॉसिबल आउटकम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे एक आउटकम है कि एक डाई पे एक आए दूसरे पे दो आए, पहले पे दो आए दूसरे पे 6 आए, तो इस तरह बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं। हम आगे देखते हैं कि मैथमेटिकली ये कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, लेकिन बेसिक चीज़ के प्रोबेबिलिटी निकलती है इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ करें आपकी एक दोस्त है और वो कहती हैं कि वो हमेशा सही बता सकती हैं कि जब भी किसी कॉइन को टॉस किया जाएगा तो कॉइन का कौन सा फेस आएगा, यानी हेड आएगा या टेल आएगा, वो हमेशा ठीक बता सकती हैं। तो आप ज़ाहिर है हैरत वाली बात होगी आपके लिए, तो आप उसको कहेंगे नहीं मुझे करके दिखाओ ये क्या बात है। तो वो कहेंगी कि चले, वो कहती हैं फ़र्ज़ करें कि चले मैं 10 बार कॉइन टॉस करती हूँ, आप 10 बार कॉइन टॉस करें, कॉइन वो आपको पकड़ा देंगी। और वो साथ ही कहेंगी कि मैं ऑलमोस्ट ऑलवेज सही बताऊँगी कि कौन सा हेड आएगा। तो हम अज्यूम करते हैं कि ऑलमोस्ट ऑलवेज का मतलब है कि 10 में से 9 बार बता ही देंगी कि ठीक कौन सा है। अब आप पीछे हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करने की बात की थी, तो आप ज़रा बताएं कि आप कैसे चाहें, क्या चाहेंगे कि ये एक्सपेरिमेंट कैसे कंडक्ट हो। सबसे पहले तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि फ़र्ज़ करें कि उनका क्लेम गलत है, तो क्या होना चाहिए इन 10 टॉसेस में। अगर उनका क्लेम गलत है यानी नल हाइपोथेसिस ट्रू, तो क्या होना चाहिए, 5 बार हेड आना चाहिए, 5 बार टेल आना चाहिए, ठीक है जी। 10 टॉसेस होंगी, हर टॉस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 50% है या 1/2 है, तो 10 में से भी फिर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 50% है, यानी 10 में से 5 बार हेड आएगा और 5 बार टेल आएगा। तो इस बेसिस पे आप शुरू करेंगे, लेकिन कॉइन के टॉसेस 10 हैं, एक नहीं है 10 हैं, ठीक है जी। तो एक कॉइन में एक बार टॉस करके हेड आना और बात है, और 10 बार टॉस हो और 10 के 10 बार हेड आना और बात है। एक में तुक्का हो सकता है, शायद दूसरा भी तुक्का हो सकता है, शायद तीसरा भी तुक्का हो सकता है, लेकिन 10 के 10 क्या तुक्के हो सकते हैं, अभी फ़िलहाल हम इसका जवाब नहीं दे रहे, लेकिन ये आपने फैसला करना है कि क्या 10 के 10 भी तुक्के हो सकते हैं। तो अगर 10 बार कॉइन टॉस करना है तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं। एक आउटकम ये कि पहली बार हेड आया, दूसरी बार हेड आया, तीसरी बार टेल आया, चौथी बार हेड आया, तो इस तरह एक सीक्वेंस बन जाएगी, HHTTHHTHH, एक ये सीक्वेंस बन जाएगी। दूसरी बन जाएगी THTHTH वगैरह वगैरह, इस तरह आपके पास टोटल 1024 पॉसिबल आउटकम्स हैं इन 10 टॉसेस में। ये निकलते कैसे हैं, आप प्रोबेबिलिटी देखते हैं, आप देखते हैं कि पॉसिबल आउटकम्स कितनी है। इसमें पॉसिबल आउटकम्स एक में सिर्फ 2 होती हैं, या हेड है या टेल है, तो 2 और 10 to the power of number of tosses, आपने 10 टॉस करने हैं तो 2 to the power of 10, इसको आप सॉल्व करते हैं तो 1024 आता है। इसी तरह अगर ये एक डाई होता, डाइस रोल करना होता आपने, उसमें पॉसिबल आउटकम्स 6 होती हैं,
और आपने 10 बार रोल करना होता तो 6 to the power of 10 यानी 6 को 10 बार मल्टीप्लाई किया जाए। तो जब आप इस केस में कॉइन के केस में 2 है 2 to the power of 10 तो ये 2 into 2 into 2 यानी 10 बार 2 को 1 का मल्टीप्लाई किया जाए तो 1024 जवाब आता है। पॉसिबल अब 1024 आउटकम्स हैं। तो अगर हम एक सीक्वेंस में करें तो हमें सबसे पहले ये सवाल पूछना है व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ हेड्स, यानी जो भी आपका एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे था कि कॉइन टॉस करना है और हेड या टेल लैंड करेंगे। तो पहला हमारा सवाल था व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ हेड्स, तो जवाब उसका हमने शुरू में दिया कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी तो 5 है, 5 out of 10 नॉर्मली आने चाहिए। दूसरा है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो उसका मैंने आपको बताया कि मैथमेटिकली 1024 पॉसिबल आउटकम्स मौजूद हैं इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। तीसरा सवाल है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग 9 or more हेड्स इन अ सीरीज ऑफ 10 ट्रूली रैंडम कॉइन टॉसेस, अब आप बताएं कि कितनी कितना इम्कान है कि इनमें से 9 हेड्स आएंगे 10 में से। ये एक्चुअली ये वो सवाल होता है जिसकी बेसिस पे आप फैसला करते हैं कि आप उनका क्लेम एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। अब क्योंकि हर एक्सपेरिमेंट की नेचर डिफरेंट होती है, जैसे फॉर इसी एक्सपेरिमेंट को ले लेते हैं तो इसमें हारने या जीतने से क्या फ़र्क पड़ेगा। आप फ़र्ज़ करें आपकी शर्त लगी थी कि आप उसको एक कप कॉफ़ी पिला लेंगे या वो हार गई तो वो आपको एक कप कॉफ़ी पिला देगी, तो इसकी कंसिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन आप फ़र्ज़ करें कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता जिसकी बेसिस पे लाइफ एंड डेथ का फैसला होना होता, जिसकी बेसिस पे एक कैंसर की नई ड्रग मार्केट में आनी होती, तो वहाँ पे तो आप इतना इजीली उस क्लेम को एक्सेप्ट नहीं करते ना। एक कॉफ़ी का कप पिलाना और एक तरफ लोगों की जाने जाना वो बराबर तो नहीं है। तो आप दोनों जगह पे मुख्तलिफ स्टैंडर्ड रखते हैं कि मैं इसका क्लेम एक्सेप्ट कर लेता हूँ। कब एक्सेप्ट क्लेम एक्सेप्ट करेंगे उस चीज़ को हम अल्फ़ा लेवल कहते हैं, जिसको हमने पीछे डिस्कस किया था। ये जो आपकी दोस्त हैं इनके साथ शायद आपकी शर्त लग जाए कि चलो खैर है तुम्हारे साथ भी ठीक आ गए, वैसे तो 5 आते हैं लेकिन तुम्हारे साथ भी ठीक कहा गया तो मैं तुम्हारी बात मान लूँगा। लेकिन जब कैंसर ड्रग को मार्केट में लाने की बात होगी, लोगों की जाने जाने की बात होगी, तो प्रॉब्ली आप कहेंगे कि नहीं 9 भी कम है मेरे लिए, 10 की 10 बार जब तक ठीक नहीं होगा मैं आपका क्लेम एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो ये एक नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट रिजेक्ट करने की लॉजिक होती है जिस पर आप चलते हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि What are the possibilities of cheating here? यानी कि सारे का सारा एक्सपेरिमेंट ठीक हो भी रहा था कि नहीं, ये मैं इतनी मैथमेटिक्स और प्रोबेबिलिटीज कर रहा हूँ लेकिन पीछे डिज़ाइन ही ठीक था या नहीं, कोई गड़बड़ कोई गलत कॉइन तो नहीं पकड़ा दिया इसने मुझे जिसमें हमेशा आता ही हेड है। हो सकता है ना ऐसा, ऐसे भी हो सकता है ना कि वो आपको कहें कि ये मैंने ड्रग टेस्ट की है लोगों पर और सब पे काम कर रही है और एक्चुअली वो लोग सारे के सारे अपनी मर्ज़ी के उसने रखे होते और उसकी वजह से रिजल्ट ठीक आ रहे होते। तो हर एक्सपेरिमेंट में ये देखना भी बहुत ज़रूरी होता है कि इसके अंदर कहीं चीटिंग तो नहीं हो रही, प्योरली ट्रूली रैंडम टॉसेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब ये ऊपर हमने एक सवाल पूछा था व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग 9 or more हेड्स इन अ सीरीज ऑफ 10 ट्रूली रैंडम टॉसेस, तो वो जो मैंने आपको बताया था ना कि 1024 पॉसिबल सीक्वेंसेस होंगी HT, HT, TH वगैरह वगैरह, तो आप उन सबको एक सीक्वेंस में लिख लें। आप एक्सेल पे या मिनी टैब पे किसी भी लिख सकते हैं, वो आपको रैंडम जनरेट करके दे सकता है। तो उसमें एक्चुअली मैथमेटिकली इसका जवाब है कि सिर्फ 11 बार 1024 में से ऐसे होता है, सिर्फ 11 बार कि या सारे हेड आ जाएंगे या 11 ही बार सारे टेल आ जाएंगे। तो ये कह लें कि अगर अगर कॉइन बिल्कुल ठीक था और आपकी दोस्त ने 9 में से 9 बार हेड निकाल लिया तो इस चीज़ का इम्कान सिर्फ 11/1024 है, यानी 0.011 या 1% के करीब चांस है कि वो 9 बार हेड ले आएगी, 1% चांस है। तो अगर आपकी दोस्त वाकई 9 हेड ले आती है तो फिर आप उनको
मेरा मशवरा ये है कि उनको गुरु मान लें और आइंदा से हर काम करने से पहले उनसे पूछा करें। ठीक है जी, तो चलते हैं आगे। एक आखिरी चीज़ देखते हैं इस टॉपिक पे, इन्फ्लुएंशियल टेस्टिंग पे, और वो जस्ट ये आपके सामने जो स्लाइड है ये है कि चार स्टेप बेसिकली ये टेस्ट फॉलो करते हैं। मैंने आपको बताया था, मैं वही बार बार कहूँगा ताकि आपके जहन में रजिस्टर हो जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली ईजी टू ग्रेस्प नहीं है, तो मैं इसीलिए बार बार मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये चार स्टेप क्या हैं? सबसे पहले यू रिसर्चर मेक्स अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें आपके सामने कुछ रिजल्ट्स आते हैं। तो एक तरह से ये कह लें कि द लॉजिक ऑफ कॉइन टॉसिंग, दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ कॉइन टॉसिंग इज द सेम एज द लॉजिक ऑफ अंडरलाइंग वर्चुअली एनी इन्फ्लुएंशियल टेस्ट। आप सिर्फ कॉइन टॉस नहीं, कोई भी आप इन्फ्लुएंशियल टेस्ट करें। पीछे हमने दो किस्म के टेस्ट पढ़े थे, आपको याद होगा ना कि प्रोबेबिलिटी में दो किस्म की चीज़ें होती हैं, एक डिस्क्रिप्टिव और एक इन्फ्लुएंशियल। तो इन्फ्लुएंशियल कोई भी आप टेस्ट करेंगे तो उसकी लॉजिक मोर और लेस यही होती है, अंडरलाइंग लॉजिक जो कॉइन वाले एक्सपेरिमेंट में थी, जो मैं आपकी दोस्त के साथ मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल करके बताई। फर्स्ट यू मेक अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कुछ डेटा इकट्ठा किया आपने। सेकेंडली दीज ऑब्जर्वेशंस आर कंपेयर्ड विद व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व इफ नथिंग अनयूजुअल वर हैपनिंग इन द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यानी द रिसर्चर्स हाइपोथेसिस वर इनकरेक्ट। हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे और फिर इसको कंपेयर करेंगे कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कोई अनयूजुअल नहीं था, आधे हेड आधे टेल, उससे कंपेयर कर लेंगे। थर्ड क्या होगा, दिस कंपैरिजन इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू प्रोबेबिलिटी, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिसर्चर ऑब्जर्विंग अ सेट ऑफ रिजल्ट्स एट लीस्ट दिस कंसिस्टेंट विद हिज और हर हाइपोथेसिस इफ द हाइपोथेसिस वर इनकरेक्ट, यानी वो झूठ बोल रही थी तो क्या चांस है कि ये रिजल्ट आने थे। यानी अगर आपकी दोस्त झूठ बोल रही है, वो नहीं कर सकती, तो फिर 9 में से 10 आने के कितने इम्कान हैं? तो मैंने आपको बताया कि अगर 9 में से 10 आने के, 10 में से 9 आने के इम्कान तो सिर्फ 1% हैं, 1% के अराउंड हैं। 1024 में से सिर्फ 11 ऐसी रीडिंग्स होती हैं कि सारे हेड आ जाएं। तो इसकी बेसिस पे चूँकि उसके एक फ़ीसद और उसके झूठ होने के इम्कानात प्रोबेबिलिटी बहुत लो है, तो हम फिर कंक्लूड कर लेते हैं कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड और हमारी दोस्त का क्लेम ठीक था। हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उनके अंदर की सुपर नेचुरल पावर्स हैं, वो हमारी पीर हैं, सेज हैं, और आइंदा हम उनसे मशवरा किया करेंगे हर चीज़ पे। तो ये एक लॉजिक है इन्फ्लुएंशियल टेस्टिंग की, जिस पे हम लोग चलते हैं और किसी भी चीज़ को सही या गलत प्रूव करते हैं। अब हम दोबारा एक छोटी सी ब्रेक करते हैं, और इस ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। वो ऑब्वियसली थोड़ी थोड़ी अब मैं कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ आगे एग्जांपल्स, ताकि आपको ये बात और डिटेल में समझ आनी शुरू हो जाए। एक स्टूडेंट्स की एग्जाम्पल, और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट चीटिंग तो नहीं कर रहे, और उसको सही या गलत प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद मिलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछले हफ्ते हम लोगों ने लॉजिक ऑफ इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स पे अपनी डिस्कशन एंड की थी, और मैंने आपको बताया था कि एक चार स्टेप्स हैं एक लॉजिकल किस्म के, जो कि किसी भी इन्फ्लुएंशियल टेस्टिंग में इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने कॉइन टेस्टिंग की एग्जांपल समझने की कोशिश की थी, जिसमें हमारी एक दोस्त क्लेम कर रही थी कि वो कॉइन का फ्लिप करने का बिल्कुल सही जवाब दे सकती हैं। तो हमने देखा था कि सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि हम देखें कि नॉर्मली जब कॉइन फ्लिप होता है तो क्या रिज़ल्ट आते हैं। तो हमें पता चला कि नॉर्मली जब फ्लिप होता है तो 5 हेड आते हैं, 5 टेल आते हैं अगर 10 पर फ्लिप किया जाए। फिर हमने देखा कि हमारी दोस्त ने 9 हेड लाए 10 में से, तो फिर हमने देखा कि कितना चांस है 10 में से 9 आने का। तो पता चला कि पॉसिबल आउटकम्स 1024 थी, और उनमें से 9 हेड आने का चांस 11 था। 9 हेड 11 बार आते हैं, तो 11/1024 से हमें पता चला कि 1% चांस था कि जो हुआ वही होता।
तो उसकी बेसिस पे हमने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली थी कि यस, उनके अंदर कोई सुपर नेचुरल पावर्स मौजूद हैं जिसकी वजह से वो 9 हेड्स ले आई 10 में से। और आखिरी चीज़ हमने ये देखी थी कि हमने समहाउ ये ज़रूर इंश्योर करना है कि कहीं एक्सपेरिमेंट में कोई चीटिंग ना हो रही हो। तो इसी फ्लो में हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें समझने की कोशिश करते हैं कि नल हाइपोथेसिस कैसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट की जाती है। फ़र्ज़ करें एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है, 50 स्टूडेंट्स का, और उनको कहा जाता है जी कि ये जो एक हमने लकड़ी का सेपरेटर पर्दा से लगाया हुआ है, इसके पीछे एक डब्बा है, उस डब्बे में 10 बॉल हैं जिनमें से 9 सफ़ेद बॉल हैं और एक ऑरेंज बॉल है। आप जाएं उस डब्बे के इस पर्दे के पीछे, उस डब्बे में से रेंड हाथ डालें, एक बॉल निकाल लें और अपना हाथ ऊपर कर दें। अगर वो बॉल ऑरेंज हुआ तो आपको इनाम मिलेगा, ऑरेंज ना हुआ तो आपको इनाम नहीं मिलेगा। तो जो जो बच्चे जो है ऑरेंज बॉल निकालते जाएंगे उनको हम कहते जाएंगे कि विनर्स हैं। अब हमारा एक्सपेरिमेंट या जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि बच्चे चीटिंग कर रहे हैं कि नहीं इसमें, ठीक है जी। यानी इस सारे एक्सपेरिमेंट से हमारा मकसद ये है, हम देखें कि बच्चे चीटिंग कर रहे हैं कि नहीं। अब क्या करना चाहिए हमें? तो हम जैसा कि हम इसी टॉपिक पे पढ़ते आ रहे हैं, हमारे सबसे पहले एक नल हाइपोथेसिस हमें अज्यूम करनी है। हम कहते हैं कि बच्चे चीटिंग नहीं कर रहे। अज्यूम नो वन चीटेड, एच नॉट यानी नल हाइपोथेसिस इज़ ट्रू। अब देखते हैं कि अगर कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं हो रही तो फिर कितने बच्चों को निकालना चाहिए था ऑरेंज बॉल? 50 बच्चे हैं, डब्बे में 10 बॉल हैं जिसमें से एक ऑरेंज है और 9 सफ़ेद हैं। तो अगर बिल्कुल रैंडम मामला चल रहे होते तो कितने बच्चों ने निकालना था जी ऑरेंज बॉल? इसको आप सिंपल मैथमेटिक्स में जाए बगैर देखें तो 10 में से 1 बॉल निकलने के चांस हैं, यानी 1 out of 10 चांस है कि ऑरेंज बॉल निकलेगा, और बच्चे 50 हैं। तो 50 को 10% से या 0.1 से मल्टीप्लाई कर दें तो जवाब आता है 5। यानी इन 50 में से सिर्फ 5 बच्चों को ऑरेंज बॉल निकालना चाहिए अगर बिल्कुल रैंडम हो रहा हो, कोई गड़बड़ ना हो रही हो। इसको ज़रा मैथमेटिकल टर्म्स में देख लें तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इसकी ये है कि दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होंगी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑन अ सिंगल ट्रायल, यानी ऑरेंज बॉल आने की प्रोबेबिलिटी एक ट्रायल में कितनी है? 10% है, क्योंकि 10 बॉलों में से सिर्फ एक ऑरेंज है तो 1 out of 10 प्रोबेबिलिटी है। और द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने होने हैं? 50 होने हैं, क्योंकि 50 बच्चों ने बॉल निकालने हैं। तो 1/10 × 50 5 होगी आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। यानी अभी एक्सपेरिमेंट की हम बात नहीं कर रहे, सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट अगर नॉर्मली चलता रहे, कोई चीटिंग ना करे, बॉल भी इधर रैंडमली पड़े हुए हों, तो 5 बच्चे निकाल सकेंगे 50 में से ऑरेंज बॉल। दूसरी चीज़ है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, यानी एक्चुअली हुआ क्या। लेट्स से कि 6 बच्चों ने निकाला, 5 के बजाय 6 बच्चों ने निकाला, यानी 50 बच्चों में से 6 बच्चों ने जब बॉल निकाला तो वो ऑरेंज था, तो आप बताएं वो चीटिंग थी या नहीं? क्या ख्याल है आपका? या ये कह लें कि 7 ने निकाल लिया ऑरेंज, 8 ने निकाल लिया, 9 ने निकाल लिया, 20 ने निकाल लिया, तो किस वक्त वो कौन सा नंबर होगा जिस वक्त आप कहेंगे कि नहीं अब मुझे लग रहा है ये तो कोई चीटिंग हुई है? नॉर्मली 5 आने चाहिए, आ गए 6 या 7 या 15 या 20 या 50 के 50 आ गए, तो आप किस नंबर पे कहेंगे कि नहीं यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, अब मैं कहूँगा चीटिंग हो रही है? तो बेसिकली अब ज़ाहिर है कॉमन सेंस यही कहता है कि जूँ जूँ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो है वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से दूर होती जाएगी, यानी 5 से आप जितना दूर होते जाएंगे आप कहते जाएंगे यार नहीं ये तो कोई गड़बड़ है, ये तो 5 होने चाहिए थे, ये 6 कहाँ से हो गया, चलो 6 बर्दाश्त कर लेता हूँ, 7 कहाँ से हो गए, चलो 7 भी ठीक है, 8 कहाँ से हो गए। तो कोई ना कोई आप एक अपनी लाइन लगा देंगे जिस पे आप कहेंगे कि नहीं इसके बाद मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि चीज़ें ठीक हो रही हैं। तो इसके लिए हम एक बहुत सारे मैथमेटिकल टेस्ट हैं, लेकिन यहाँ पे हम चाई स्क्वायर टेस्ट रन करके देखते हैं कि क्या हो रहा है।
तो उसके लिए हम लेट्स अज्यूम के 10 बच्चे थे जिन्होंने, 50 में से 10 बच्चे थे जिन्होंने हाथ ऊपर किया तो ऑरेंज बॉल आया। तो चाय स्क्वेयर टेस्ट की ये इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, चाय स्क्वेयर इज इक्वल टू सिग्मा एक्सपेक्ट ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी स्क्वेयर्ड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि आप कितने बच्चों ने बॉल निकाला ऑरेंज वाला। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो हमने पीछे वाली डिस्कशन में पिछली स्लाइड पे देखा 5 है इसकी, 5 आउट ऑफ 50 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है। तो चाहे इसी फार्मूला में अपनी वैल्यूज़ डालें, 10 आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी थी, 5 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी थी डिवाइडेड बाय 5 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इसका स्क्वायर प्लस 40, ये ऑपोजिट है 10 का, यानी उन बच्चों का जिन्होंने नहीं निकाला, यानी ये इस तरह कह लें कि जिन्होंने वाइट बॉल निकाले वो थे 40 माइनस वाइट के निकलने की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 45 थी, उसका स्क्वायर किया और उसके नीचे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी दोबारा 45 थी। तो जवाब इस चीज़ का आया चाय स्क्वायर इज इक्वल टू 5.5। सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन थी, उसमें हमने वैल्यूज़ डाली। अब ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ चाय स्क्वायर की एक वैल्यू निकली है हमारे पास। अब हम एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, वो है पी वैल्यू। तो इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स में जब भी आप कोई फिगर आपके सामने आती है, जिस तरह ये चाय स्क्वायर आपके सामने आई, इस तरह बहुत सारी हो सकती हैं, टी वैल्यू हो सकती है, एफ रेशो हो सकती है, कोरिलेशन टेस्ट हो सकती, कोरिलेशन की एंड वैल्यू हो सकती है, पियर्सन वैल्यू जिसको कहते हैं हम, एंडरसन डाल, कोई कोई भी एक वैल्यू हो सकती है, उसके साथ एक और वैल्यू लिखी होती है जिसको हम कहते हैं पी वैल्यू। अब ये पी वैल्यू जो है, ये जो पीछे हमने अल्फा लेवल पढ़ा था उसकी कह लें कि एक टेस्ट है उसका, उसके बेसिस पे ये एक टेस्ट है कि जो मेरी चाय स्क्वायर निकली 5.5, इसकी पी वैल्यू कितनी थी। और वो पी वैल्यू फिर हम कंपेयर करते हैं अल्फा लेवल से और फैसला करते हैं कि ये चाय स्क्वायर जो आई है ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट है या नहीं। अगेन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, तो करके देखते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। एक आजकल तो हम सारे टेस्ट सॉफ्टवेयर पे करते हैं, तो हम वी डोंट गो बैक टू टेबल्स, लेकिन कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 10-15 साल पहले ये सारे काम मैथमेटिकल टेबल्स बने होते थे, एफ टेबल होता था, चाय स्क्वायर टेबल, ये इन सारी जो भी मैं आपको स्टेटिस्टिक्स के नाम मैंने बताए उन सब के अपने अपने टेबल्स होते थे। इस टेबल में क्या है, अभी भी हैं जाहिर है, इन टेबल्स में क्या होता है कि इनमें क्रिटिकल वैल्यूज़ फॉर डिफरेंट अल्फा लेवल्स लिखे होते हैं, कि अगर आपने अपने एक्सपेरिमेंट का अल्फा लेवल 5 रखा, 0.05 या 5%, तो अल्फा लेवल 0.05 के लिए क्रिटिकल वैल्यू चाय स्क्वायर की लिखी होगी, कि अगर आपकी चाय स्क्वायर इससे ज़्यादा आ गई तो आपकी एसोसिएटेड पी वैल्यू जो है वो 0.05 से नीचे है, यानी ये सिग्निफिकेंट है। हमने पहले पढ़ा था कि अल्फा लेवल रखा मैंने, उस अल्फा लेवल से नीचे रहे तो सिग्निफिकेंट अज्यूम कर ली जाएगी। तो चाय स्क्वायर में जो हमारी वैल्यू आई 5.5, लेकिन चाय स्क्वायर का टेबल कह रहा है कि जब भी 3.8 से ज़्यादा आए तो आपका रिजल्ट सिग्निफिकेंट है, चीटिंग हो रही है। तो इस केस में तो प्रूव हो गया कि चीटिंग हो रही है, क्योंकि क्रिटिकल वैल्यू चाय स्क्वायर टेबल ने 3.841 दी थी, हमारी वैल्यू आ गई 5.5, तो हमने रिजल्ट ये निकाल लिया कि बहुत ज़्यादा बच्चों ने ऑरेंज निकाला है, तो देर इज सम चीटिंग गोइंग ऑन। लेकिन अल्फा लेवल कुछ और होता तो क्या होता, ये तो हमने 0.05 पे चेक किया, ठीक है जी, कुछ और होता, 0.02 होता, 0.01 होता, क्या होता। अब यहाँ पे वही बात जहन में ले आए जो मैंने आपको शुरू में कही थी कि एक कॉफ़ी का कप की शर्त लगी वो तो ठीक है, 0.05 पे चल जाएगा काम, लेकिन अगर ज़िंदगी मौत का मसला हुआ तो क्या करेंगे। फ़र्ज़ करें इसी एक्सपेरिमेंट में जो जो बच्चे चीटर प्रूव होंगे उनको 25 साल के लिए जेल भेजना है, तो क्या आप इतनी जल्दी मान लेंगे कि उन्होंने चीटिंग की है। तो ज़ाहिर है आप थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड फिर स्ट्रिंजेंट कर देंगे कि नहीं, हम इतनी जल्दी नहीं मानेंगे, एक्सपेरिमेंट को ज़रा और रिगरस होना चाहिए। तो वट इफ़ हमारा अल्फा लेवल लोअर होता, लेट्स से यहाँ पे आपके सामने टेबल पे 3 अल्फा लेवल्स लिखे हुए, हमने रखा 0.05,
उसकी क्रिटिकल थी 3.841। लेकिन एक और ज़्यादा सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट हमने, सेंसिटिव सिचुएशन थी, उसमें हम कहते हैं नहीं, अल्फ़ा लेवल तो 0.02 होगा। तो उस पे फिर चाय स्क्वायर टेबल आपको बताता है कि ठीक है, अगर आप 0.02 रखना चाहते हैं, फिर क्रिटिकल वैल्यू 5.412 है, इससे ज़्यादा होना चाहिए आपका चाय स्क्वायर, तब सिग्निफिकेंस साबित होगी। और एक और उससे भी ज़्यादा सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट 0.01, वो कहता है कि नहीं, आपकी चाय स्क्वायर वैल्यू जो आई है वो उसको 6.635 से ज़्यादा होना चाहिए, तब सिग्निफिकेंस साबित होगी। तो इन तीन केसेस में, पहला 3.841 तो पीछे हमने देखा कि सिग्निफिकेंट है, 5.4 सिग्निफिकेंट है या नहीं, ऑब्जर्व 5.5 है ये, जो कि 5.4 से ज़्यादा है तो ठीक है, ये भी सिग्निफिकेंट है। तीसरा 0.01, 6.6 अल्फा लेवल 0.01 पे सिग्निफिकेंट है या नहीं, सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि ये हमारा जो ऑब्जर्व वैल्यू 5.5 है और वो इससे कम है 6.6 से, तो क्रिटिकल वैल्यू से चूँकि कम है तो 0.01 पे ये स्टैट सिग्निफिकेंट नहीं है। तो अगर हमारा अल्फा लेवल 0.01 होता तो हम रिजेक्ट कर देते हाइपोथेसिस, हम कहते कि नहीं, बच्चों ने चीटिंग नहीं की है। तो ये दोनों सिग्निफिकेंट हैं क्योंकि हमने जो कैलकुलेट किया 5.5 वो ज़्यादा है क्रिटिकल से, और तीसरे वाला सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो हमारे कैलकुलेटेड वैल्यू से इसकी क्रिटिकल लिखी हुई ज़्यादा है, इन अदर वर्ड्स हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू कम है क्रिटिकल वैल्यू से। तो प्रैक्टिकली हम क्या कह रहे हैं, ये तीसरे वाली अल्फा लेवल 0.01 रख के हम कह रहे हैं कि हम तो तब चीटिंग मानेंगे जब 10 से ज़्यादा लोग ऑरेंज बॉल निकालेंगे, 10 पे हम नहीं मानेंगे। तो अल्फा लेवल्स बेसिकली ये चीज़ है कि आपने फैसला करना होता है कि वो कितनी बार डिपार्चर होगा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का, जब आप मान लेंगे कि हाँ अब एक्सपेक्टेड से काफ़ी दूर हो गया है और अब हम मान रहे हैं कि ये बात गड़बड़ हो रही है। यही चीज़ें रिसर्च में हर रोज़ चल रही होती हैं, यही चीज़ें कोर्ट्स में हर रोज़ चल रही होती हैं, मेडिकल साइंस में चल रही होती हैं, हर जगह पे चल रही होती हैं। आपने अपना एक थ्रेशोल्ड रखा होता है और उसके क्रॉस होने पे आप किसी क्लेम को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। इन अदर वर्ड्स आप देखें तो रिसर्च भी फिर एक किसी भी चीज़ को लॉजिकल तरीके से करने पे जो पैटर्न, जो लॉजिक फॉलो होती है, रिसर्च भी वही लॉजिक फॉलो करती है। लेकिन चूंकि इसमें बहुत मुश्किल चीज़ें भी आ जाती हैं जो जिनको समझना भी मुश्किल होता है, फिर एग्जीक्यूट करना भी मुश्किल होता है, तो फिर इन इसमें हमें टर्म्स बनानी पड़ती हैं, एक अपना वर्नैकुलर बनाना पड़ता है जो एक आम सी चीज़ को काफ़ी कॉम्प्लेक्स बना देता है। वरना आप जब आप ज़िंदगी में जब भी फैसला करते हैं ऐसे ही करते हैं ना, आज बारिश हो रही है, मैं मुनाल जाऊं या ना जाऊं, तो जहन में एक लाइन लगाते हैं कि इससे ज़्यादा बारिश शुरू हो गई तो नहीं जाऊंगा, इससे कम होती रही तो चला जाऊंगा। तो बिल्कुल इसी तरह ये लॉजिक है इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स की, इन्फ्रेंशियल टेस्टिंग की, कि आप एक थ्रेशोल्ड बनाते हैं, एक क्रिटिकल वैल्यू बनाते हैं, और उस वो अगर क्रॉस हो जाए तो फिर आप किसी क्लेम को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर देते हैं। तो बेसिकली आपने फैसला ये करना होता है कि आप वो थ्रेशोल्ड या वो लाइन कहाँ पे लगाएंगे जिसकी बेसिस पे आप फैसला करेंगे कि आपने किसी क्लेम को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। लेकिन अब ये डिटर्मिनेशन भी कि आप वो लाइन कहाँ पे लगाएंगे, ये एक ट्रिकी चीज़ है। ट्रिकी चीज़ इसलिए है कि आप, हो सकता है कि ये लाइन लगाते हुए एक बंदे का अच्छी खासी डिस्कवरी की हो उसने और आप उसको रिजेक्ट कर दें कि नहीं, तुम तो ठीक नहीं कह रहे, या ये एरर भी कर सकते हैं आपके, उसने डिस्कवरी का क्लेम किया और आप फ़ौरन एक्सेप्ट कर लें कि हाँ भाई तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो ये दोनों एरर्स होने के इम्कान होते हैं। तो अब हम आगे अगली कंटिन्यूएशन में एक और टॉपिक क्विकली समझने की कोशिश करते हैं, जिनको हम कहते हैं Type 1 and Type 2 एरर्स, यानी कि हम लोग अपना पी वैल्यू या अल्फा लेवल्स को जब अल्फा लेवल सेट कर रहे होते हैं और पी वैल्यूज़ डिस्कवर कर रहे होते हैं, तो हम लोग जो अल्फा लेवल चूज़ करते हैं उसमें कौन सी गलतियाँ होने के इम्कान होते हैं, और आखिर में हम थोड़ा सा टच इस चीज़ को करेंगे कि उन गलतियों को
से कैसे बचा जा सकता है। तो अब वैसे एक बॉटम लाइन ये है कि जो परफेक्टली एग्जीक्यूटेड स्टडीज़ भी होती है ना, जिसमें कोई सिस्टमेटिक फ्लॉ नहीं होता, कॉइन आपका बिल्कुल ठीक है, कोई चीटिंग नहीं हो रही, उनमें भी ये चांस होता है कि जो रिज़ल्ट आपने निकाले वो सिर्फ चांस की वजह से हो, रैंडमनेस की वजह से हो। यानी आपने आपको जो पता चला कि इस्लामाबाद के लोग, तो मैंने 100 गाड़ियाँ ऑब्ज़र्व की, उनमें से 80 इशारे तोड़ रही थी, तो ये हो सकता है ये बिल्कुल रैंडमनेस की वजह से हो, उस दिन कोई इवेंट हो गया हो जिसकी वजह से इशारे टूट रहे हों, या आप एक ख़ास जगह पे खड़े हों जहाँ पे वैसे ही इशारे तोड़ते हैं लोग ज़्यादा। यानी रैंडमनेस की वजह से प्योर चांस की वजह से हो सकता है कि बिल्कुल आपकी स्टडी का डिज़ाइन बिल्कुल ठीक था, लेकिन ये जो आपकी ऑब्जर्वेशन आई ये चांस की वजह से हैं। बल्कि इनफैक्ट मामला ये है कि जो पी वैल्यूज़ आप ऑब्ज़र्व करते हैं वो हमें एक्चुअली बता देती हैं कि इस चीज़ का क्या चांस है कि जो हमने ये एक्सट्रीम रिजल्ट्स ऑब्ज़र्व किए ये वाकई किसी वजह से थे या बिल्कुल डम लक की वजह से थे, बिल्कुल चांस की वजह से और रैंडमनेस की वजह से थे। तो टाइप 1 एरर क्या होता है कि आप इनकरेक्टली नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं जबकि वो ठीक होती है। इन अदर वर्ड्स, आप बहुत जल्दी रिसर्चर के क्लेम को मान लेते हैं। नल हाइपोथेसिस क्या थी कि वो गलत कह रहा है, आपने रिजेक्ट कर दिया, नहीं नहीं तुम गलत नहीं कह रहे, तुम ठीक कह रहे हो। तो आपने इतनी रिगरस स्टैंडर्ड नहीं रखा और क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया जबकि वो ठीक नहीं था। तो ये कब होता है, ये आपके पी वैल्यू को बहुत लिबरल रखने, आपके जो अल्फा लेवल्स जो आपने सेट किए थे 0.05, उसको आपने बहुत लिबरल सेट कर दिया था, तो उस वक्त टाइप 1 एरर होता है। इन अदर वर्ड्स, आपने आसानी से एक क्लेम को मान लिया और उसका नुकसान ये हुआ कि वो क्लेम तो एक्चुअली ठीक था ही नहीं। तो इस चीज़ को टाइप 1 एरर कहते हैं कि आप नल हाइपोथेसिस को इनकरेक्टली रिजेक्ट कर दें, ये होती है टाइप 1 एरर। इसी तरह एक टाइप 2 एरर भी होती है। टाइप 2 एरर क्या होता है कि अब जब ये प्रॉब्लम आपके सामने आया ना कि बहुत बहुत जल्दी किसी क्लेम को मान लेना और बाद में वो गलत निकल आया, तो फिर लोगों के सामने ये चीज़ आई कि यार ये तो इससे तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बड़ी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की वजह से बहुत बड़े बड़े डिजास्टर भी आ सकते हैं। फिर अब कोई बंदा कहता है कि मैंने कैंसर की दवा बना ली, अब बाकी दवाएं छोड़ दें, ये खाना शुरू कर दें, आप वो खाना शुरू करें और आप जो है आपकी बीमारी बिगड़ जाए, तो कैटास्ट्रॉफिक रिजल्ट्स भी हो सकते हैं, डिजास्ट्रस रिजल्ट्स भी हो सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि फिर लोग कहते हैं नहीं, अल्फ़ा लेवल को बहुत नीचे रखो, 0.001 पे ले आओ। तो अब सवाल ये है कि अगर अल्फ़ा लेवल बहुत नीचे लाने से ठीक हो रहा है तो फिर हमेशा नीचे रखते हैं, हमेशा ही 0.01 क्यों ना रख लें। तो 0.01 इसलिए नहीं रखते कि फिर हो इस वजह से फिर आप दूसरी तरफ एरर करना शुरू कर देंगे, लोगों के ठीक क्लेम्स को, ठीक डिस्कवरीज को भी आप रिजेक्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है जी, कि आप टाइप 1 एरर से बचने की कोशिश कर रहे होंगे कि यार मैं किसी की गलत बात को ठीक ना मान लूं, लेकिन उसमें इतने सख्त हो जाएंगे कि किसी की ठीक बात को भी ठीक नहीं मानेंगे। तो इस चीज़ को कि आप, कोई बंदा ठीक बात कर रहा है लेकिन आपने अपना अल्फा लेवल इतना स्ट्रिंजेंट रखा हुआ है कि आप उसको भी रिजेक्ट कर देते हैं, इसको हम टाइप 2 एरर कहते हैं। इट अकर्स व्हेन वी फेल टू रिजेक्ट एन इनकरेक्ट नल हाइपोथेसिस। यानी वो जो नल हाइपोथेसिस की थी कि रिसर्चर गलत कह रहा है, वो गलत थी, रिसर्चर असल में ठीक कह रहा था, लेकिन हम उसको नहीं रिजेक्ट कर पाए क्योंकि हमारा अल्फा लेवल्स बहुत स्ट्रिंजेंटली सेट था या बहुत लो सेट था। तो बॉटम लाइन ये है कि एक तरफ जाने से ऐसी चीज़ें जो एक्चुअली डिस्कवरीज नहीं थी वो डिस्कवरी बनने का ख़तरा है, और दूसरी तरफ एक चीज़ जो डिस्कवरी थी उसको रिजेक्ट करने का ख़तरा है कि नहीं ये तो डिस्कवरी है ही नहीं।
तो फिर बहुत अरसा रिसर्च करके, बहुत सोच समझ के साइंटिस्ट ने ये फैसला किया है कि, फैसला तो नहीं, ये कह लें कि मुख्तलिफ स्टडीज़ में लोग 0.05 की तरफ कन्वर्ज हो गए, लोगों ने मोर और लेस एग्री कर लिया है कि 0.05 इज़ अ वेरी रीजनेबल लेवल फॉर एल्फा, यानी कि इट्स अ रीजनेबल रिस्क फॉर मेकिंग अ Type 1 एरर। तो आप अगर मज़ीद इस पे भी चाहते हैं कि नहीं इसमें भी एरर ना हो, तो उसका एक तरीका ये होता है कि आप अपनी स्टडी को रेप्लिकेट कर लें, बजाय इसके कि आप एल्फ़ा लेवल्स चेंज करें, आप उनको कहते हैं कि यार ठीक है, ये आपने 1,000 रिस्पोंडेंट्स से ही मुझे डेटा ला के दिया, इससे लग रहा है कि आप 0.05 हमने अल्फ़ा रखा था, आपकी पी वैल्यू जब हमने कंपेयर की तो लग रहा है कि आपका क्लेम ठीक है। लेकिन बजाय इसके कि हम मैं आपके अल्फ़ा लेवल को नीचे कर दूं, ऐसे करते हैं कि स्टडी को रेप्लिकेट कर देते हैं, या इन अदर वर्ड्स आम जुबान में कह लें तो एक बार फिर कर लेते हैं। तो अगर दोबारा भी यही रिज़ल्ट आ गया तो फिर तो 100% हम आपकी बात मान लेंगे। अब रेप्लिकेशन क्या होती है, इसको हम इंशाल्लाह डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में ज़रा मज़ीद पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल इतना ही कि 0.05 जो है वो एक रीज़नेबल अल्फा लेवल के तौर पे इस्टेब्लिश हो गया है रिसर्च कम्युनिटी में, और इसको भी मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए रेप्लिकेशन की जाती है कि अल्फा लेवल को 0.05 ही रखा जाता है, और स्टडी को बार 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 कंडक्ट कर लिया जाता है ताकि हम श्योर हो जाएं कि उसने ठीक रिज़ल्ट निकाले थे। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, ये हमारा आखिरी सेशन है इंशाल्लाह इस टॉपिक का, यानी रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स का। और आखिरी सेशन में हमने ये कंक्लूड किया था कि Type 1 और Type 2 एरर्स क्या होते हैं और उनका अल्फा लेवल से क्या रिश्ता है, और अगर हमने इन एरर्स को मिनिमाइज़ करना है तो हमें क्या स्टेप्स इख्तियार करने चाहिए। अब इस टॉपिक में हमने शुरू से अभी तक बेसिकली मुख्तलिफ़ चीज़ें सीखी, और उसका मकसद ये था कि हम किसी भी टेस्ट की स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस को अच्छी तरह समझ सकें कि वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं। अब स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होना ऑब्वियसली एक टचस्टोन है, एक ऐसी चीज़ है कि जो ज़रूर होना है किसी भी टेस्ट को, उसके अलावा हम उसको नहीं मानेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मज़ीद कुछ चीज़ें भी हैं जिनको हमें जहन में रखना है, जिससे हमारी स्टडी की, हमारी रिसर्च की रिलायबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी अमंग द स्कॉलरली कम्युनिटी बढ़ेगी। और अब इस आखिरी सेशन में हम बेसिकली उन चीज़ों पे गौर करेंगे, और आखिर में कुछ मज़ीद स्टेटिस्टिकल टेस्ट्स का जिक्र करके तो इंशाल्लाह हमारा ये टॉपिक कंक्लूड हो जाएगा। तो पहली चीज़ इनमें स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस के साथ साथ देखने वाली जो है वो है इफ़ेक्ट साइज़। एक्चुअली होता क्या है कि स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस जब हम कहते हैं ना किसी चीज़ की हमें मिल गई है या नहीं मिली, उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं जो हमें स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस देती हैं। एक ये होती है कि सैंपल कितना बड़ा था, यानी हम एक बंदे से पूछ के हमने ये फैसला किया रिज़ल्ट निकला है, या हज़ारों बंदों से पूछ के किया, और दूसरा इफ़ेक्ट कितना बड़ा था, यानी मीन्स में डिफरेंस कितना था। यानी मैं 13 ग्राम कोलेस्ट्रॉल नॉर्मली लोग खाते हैं तो नॉर्मल उनका कोलेस्ट्रॉल ब्लड में रहता है, फैट खाते हैं 13 ग्राम तो कोलेस्ट्रॉल ब्लड में नॉर्मल रहता है, तो 13 से 15 करने में फ़र्क पड़ता है या 13 से 18 करने में फ़र्क पड़ता है, इसको कहते हैं अफेक्ट। लेकिन आपने ये चीज़ 50 लोगों में देखी या 5,000 लोगों में देखी, इसको कहते हैं सैम्पल साइज़। तो जो हम स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस कहते हैं वो इन दो चीज़ों का मुरक्कब होती है, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं कि चीज़ स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं। अब इसको बहुत से केसेस में अलग अलग करके देखने की ज़रूरत होती है, सैम्पल साइज़ को छोड़ के सिर्फ अफेक्ट को देखने की ज़रूरत होती है कि वो कितना हुआ। तो उसके लिए एक टेस्ट हम यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं कोहेंस डी। इसमें आप ये चार जो तस्वीरें देख रहे हैं या ग्राफ्स देख रहे हैं, इसमें जिसका D.5 है, यानी ये पहले वाला टॉप लेफ्ट वाला ग्राफ आपका, इसमें दो मीन्स में फ़र्क बहुत कम है, लेकिन फिर जिसका D.1 है और उसके बाद 2 है और उसके बाद 4 है, तो मीन का फ़र्क बढ़ता जा रहा है, इन अदर वर्ड्स अफेक्ट साइज़ बढ़ता जा रहा है।
If you collect a sample of, say, 20 people and measured their heights and their foot sizes, you could probably expect to observe a statistically significant correlation between height and foot size, even though your sample was pretty small. 20 लोगों का सैंपल तो छोटा होता है, लेकिन आपको एक रिलेशनशिप नज़र आना शुरू हो जाएगा कि जो लंबे लंबे हैं उनका फुट साइज़ भी बड़ा है. दिस इज़ बिकॉज देर इज़ अ प्रेटी रोबस्ट टेंडेंसी फॉर बिग पीपल टू हैव बिग फीट. ऑफ कोर्स देर आर एक्सेप्शंस, बट दे आर रिलेटिवली रेयर. तो ये एक ख़ास किस्म का टेस्ट है. बट ऑन द अदर हैंड, फ़र्ज़ करें कि आप मेजर कर रहे हैं एक्स्ट्रोवर्जन एंड सेल्फ एस्टीम, यानी जो लोग एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा मिक्सअप होते हैं, लोगों से गपशप लगाते हैं, उनकी सेल्फ एस्टीम भी ज़्यादा होती है या नहीं होती. यू माइट नॉट नेसेसरली ऑब्जर्व अ सिग्निफिकेंट कोरिलेशन. आपको लगता होगा कि ऐसा ही होता है, लेकिन शायद आपको, ऊपर आपने 20 लोगों को टेस्ट किया, इधर 20 लोगों को टेस्ट करने से शायद आपको कुछ कोरिलेशन ना मिले. ऑल दो ये दोनों चीज़ें कोरिलेटेड हैं, दे गो हैंड इन हैंड. तो दिस कोरिलेशन इज़ मच मोर मॉडस्ट देन द सब्सटेंशियल कोरिलेशन बिटवीन हाइट एंड फुट साइज. ऐसे केसेस में जहाँ पे सैंपल बढ़ाने से पता नहीं चलता कि एक्चुअली इफ़ेक्ट बढ़ा है या नहीं बढ़ा, तो वहाँ पे फिर हमें सैंपल को इफ़ेक्ट से अलग करके देखने की ज़रूरत होती है, और उसके लिए हम कोहेंस डी टेस्ट करते हैं. अब ये मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ कि हो सकता है कि आपको किसी चीज़ में सिग्निफिकेंस आ जाए, लेकिन आपने उसकी नेचर ज़रूर देखनी है कि क्या सिग्निफिकेंस काफ़ी है या नहीं. कहीं मुझे साथ साथ इफ़ेक्ट साइज़ देखने की ज़रूरत तो नहीं है, कहीं इस प्रॉब्लम की नेचर ऐसी तो नहीं है कि इसमें सैंपल बढ़ाने से कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ और अंडरलाइंग फिनोमेना है जिनको देखने की ज़रूरत है, तो उसके लिए मुझे इफ़ेक्ट देखना पड़ेगा. एक और चीज़ जो हमें स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस के साथ साथ देखनी पड़ती है, वो है मेजरमेंट एरर. मेजरमेंट एरर क्या, कि जो आप टूल इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी चीज़ को मेजर करने का, ठीक भी है या नहीं. आप बंदे का पाँव कैसे नाप रहे हैं, बंदे की हाइट कैसे नाप रहे हैं, या दूसरे केस में जहाँ हम सेल्फ एस्टीम देख रहे थे, आपने क्या क्वेश्चनर यूज़ किया, उस क्या सवाल पूछा जिससे आपको पता लगा कि उसके अंदर सेल्फ एस्टीम है या नहीं है. तो मेजरमेंट एरर बेसिकली इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ मेजर्ड क्वांटिटी एंड इट्स ट्रू वैल्यू. एक बंदे के पाँव की ट्रू वैल्यू 8 इंच है, आपने जिस फोटे से नापा वो थोड़ा गड़बड़ था, वो आपको 7.5 इंच नाप लिया आपने, लेकिन दूसरी तरफ एक बंदे की सेल्फ एस्टीम का एक ट्रू लेवल है. आप हर बंदा शायद अलग क्वेश्चनर डिज़ाइन करके उसको नापने की कोशिश करे और अलग अलग रिजल्ट आए. तो बेसिकली दो किस्म के एरर फिर सामने आते हैं मेजरमेंट एरर में. एक को हम कहते हैं रैंडम एरर और एक को कहते हैं सिस्टमेटिक एरर. जो सिस्टमेटिक एरर होता है वो तो मिसकैलिब्रेटेड टूल की वजह से होता है नॉर्मली, कि आपने जिस फुटे से नापा, जिस मशीन से वज़न किया, वो मिसकैलिब्रेटेड थी. और रैंडम एरर क्या होता है, इट्स अ नेचुरल एरर जो कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में हो सकता है. इसके पीछे कोई सिस्टमेटिक रीज़न नहीं होता, ये आज हो गया कल नहीं होगा, इस तरह के एरर्स हवा की वजह से, रोशनी की वजह से, बंदे के मूड की वजह से, किसी भी वजह से ये एरर आ सकता है. टू मैक्सिमाइज द चांसेस ऑफ डिटेक्टिंग अ स्मॉल इफेक्ट, तो फिर आप क्या करते हैं कि आप इन ये मेजरमेंट एरर से बचने के लिए मल्टीपल मेजरमेंट्स करते हैं, रिपीटेड मेजर स्टडीज़ करते हैं. अब ये रिपीटेड मेजर स्टडीज़ क्या हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा था जिसको आपने कहा कि आप, वो जो हम पीछे एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, मिलग्रम्स ओबीडियंस टेस्ट वाली करते आ रहे हैं, तो जिस बंदे को आपने करंट लगाने के लिए बिठाया था, उसको अगर आप गर्म कमरे में बिठा दें जहाँ बहुत शदीद उसको पसीना आ रहा हो, तो शायद वो ज़्यादा करंट लगा दे, और अगर किसी एयर कंडीशन बहुत ही प्लेजेंट कमरे में बिठाएं तो वो शायद कम करंट लगाए. तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस बंदे की अगर ट्रू एग्रेसिवनेस देखना चाहते हैं, तो इसको गर्म कमरे में अलग एक्सपेरिमेंट करें और फिर ठंडे कमरे में अलग एक्सपेरिमेंट करें, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली ये तीसरी चीज़ या आपका मेजरमेंट एरर इफेक्ट डाल रहा है कि नहीं इस एक्सपेरिमेंट पे. और अब इसको करने के भी फिर दो तरीके हो गए, एक बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन कहते हैं इसको हम, और दूसरे को कहते हैं विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन. बिटवीन सब्जेक्ट में क्या होता है कि आप डिफरेंट ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स को, यानी जिन लोगों पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनके मुख्तलिफ ग्रुप बनाते हैं और उनको मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स देते रहते हैं, किसी को गर्म में बिठा दिया, किसी को ठंडे में बिठा दिया. और विद इन सब्जेक्ट में क्या होता है कि सब्जेक्ट वही होता है लेकिन
उन मुख्तलिफ लेवल्स पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के उसको ट्रीटमेंट दी जाती है। यानी उसी बंदे को गर्म में बिठाया, उसी को ठंडे में बिठा दिया, ये विद इन सब्जेक्ट है। और बिटवीन सब्जेक्ट क्या हुआ कि मुख्तलिफ लोगों को बिठा के किसी को गर्म किसी को ठंडा उनको रेंडमाइज कर लिया। तो दूसरी चीज़ देखने की है मेजरमेंट एरर, सिग्निफिकेंस डिस्टेंस के साथ साथ ये भी देखना है कि हमारी मेजरमेंट ठीक थी या नहीं थी। एक और देखने वाली चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो है सैम्पल साइज। इंक्रीजिंग द सैम्पल साइज कैन हेल्प इन डिटेक्टिंग रियल इफेक्ट। तो फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ करें कि जो मैंने पीछे बात की कि एक्सट्रोवर्जन और सेल्फ एस्टीम में एडल्ट्स में जो ट्रू एक्चुअल रिलेशनशिप है, कोरिलेशन है, वो एग्जैक्टली 0.32 है। यानी ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 100 32 इनका कोरिलेशन है। अब आप यू स्टडीज 27 एडल्ट्स और आपको लगता है कि वहाँ उस एक्सपेरिमेंट से आपको रिजल्ट्स मिले कि 0.32 है कोरिलेशन, तो इज़ इट सिग्निफिकेंट? इट इज़ नॉट, बिकॉज आपकी पी वैल्यू 0.1 आ गई है जो 0.05 से बहुत ज़्यादा है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन एक और एक्सपेरिमेंट में आपने 102 एडल्ट्स को स्टडी किया और यू फाउंड आउट कि कोरिलेशन 0.32 है, यानी वही है। इज़ इट सिग्निफिकेंट? यस, अब सिग्निफिकेंट है क्योंकि जो आपको पी वैल्यू मिली वो 0.001 से भी बेहतर है, यानी 0.01 से बहुत कम है। तो सैम्पल साइज आपका जो है जू जू बढ़ता है, वो आपकी स्टडी की रिलायबिलिटी बढ़ाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपकी दोस्त थी जिन्होंने कहा कि वो 10 में से 9 हेड्स ले आएंगी या 7 हेड्स ले आएंगी, तो फ़र्ज़ करें एक्सपेरिमेंट होता और 10 में से 7 हेड्स ले आती, तो आप ज़्यादा इम्प्रेस होते या 1,000 बार वो टॉस करती है और उसमें से 700 हेड आ जाता, आप किस में ज़्यादा इम्प्रेस होते? ऑब्वियसली आप 700 आउट ऑफ 1,000 में ज़्यादा इम्प्रेस होते क्योंकि वही चीज़ बहुत ज़्यादा बार प्रूव हो गई है। इन अदर वर्ड्स वो रेप्लिकेशंस बहुत हो गई हैं। जो मैं पीछे आपको कह रहा था कि पी वैल्यू चेंज करने के बजाय स्टडी को रेप्लिकेट कर दें, तो आपने उसी स्टडी को 100 बार रेप्लिकेट कर दिया और वो फिर भी आपकी दोस्त ने प्रूव कर दिया कि वो हेड्स ज़्यादा ला सकती हैं एक एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से जो कि 5 है। एक और चीज़ जो हमने देखनी होती है सिग्निफिकेंस टेस्ट के साथ साथ, वो है रिस्ट्रिक्शन ऑफ रेंज, या इन अदर वर्ड्स वेरिएबिलिटी ऑफ द वेरिएबल्स जिनको आप मेजर कर रहे हैं। उससे भी जितनी ज़्यादा वेरिएबिलिटी होती है उतना स्टडी की रिलायबिलिटी कम होती है। तो आप को अगर कभी चॉइस मिले कि आप एक पावरफुल टेस्ट कर सकें और जो कि बहुत छोटे छोटे इफ़ेक्ट भी डिटेक्ट कर सकता है, और एक कम पावरफुल टेस्ट करें जो ज़्यादा छोटे इफेक्ट डिटेक्ट ना कर सके, तो ऑब्वियसली आपको पावरफुल टेस्ट चूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें नीचे वाले मेजरिंग, आप मोहब्बत लव को मेजर करना चाह रहे हैं। एक टेस्ट ये है कि आप पूछते हैं बंदे से कि फ्रॉम 1 to 10, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आप अपने पार्टनर से कितनी मोहब्बत है आपको? कोई एक बोलेगा, कोई दो बोलेगा, कोई तीन, कोई चार, कोई पाँच, कोई छः, कोई 7, 8, 9, 10। और दूसरा सवाल है आप उनसे पूछते हैं डू यू लाइक योर पार्टनर, येस और नो। अब इनमें से कौन सा टेस्ट आपको ज़्यादा फ़र्क डिटेक्ट करने की पावर देता है, छोटा छोटा फ़र्क भी डिटेक्ट करने की पावर देता है? ऑब्वियसली ऊपर वाला है क्योंकि 1 to 10 है, वो 8 और 9 का फ़र्क भी बताएगा आपको, 6 और 7 का फ़र्क भी बताएगा। नीचे वाला यस या नो है तो वो 0 और 10 का कह लें कि सिर्फ आपने चॉइस दी उनको, नो का मतलब 0 और यस का मतलब 10। तो जब भी आपके पास आपको मौका मिले तो पावरफुल टेस्ट चूज़ किया करें ताकि आप छोटी से छोटी वेरिएंस को भी, वेरिएबिलिटी को भी डिटेक्ट कर लें। तो टू समराइज दिस होल थिंग दैट वी स्टडीड, इसमें समझने वाली बात यह है कि जो स्टेटिस्टिक्स हैं ये हैं तो बहुत पावरफुल, लेकिन बहरहाल ये एक टूल है और किसी भी टूल की इफ़ेक्टिवनेस जो है वो आप पे डिपेंड करती है कि आप उसको सही जगह पे इस्तेमाल करते हैं या नहीं।
जब आप स्टेटिस्टिक्स को सही जगह पे इस्तेमाल करेंगे तो ये इंतहाई पावरफुल और इनक्रेडिबली इफेक्टिव एक टूल है आपके पास, जिससे आप अपनी रिसर्च को सही साबित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको गलत अप्लाई कर देंगे, मिस इंटरप्रेट कर देंगे, तो किसी भी और टूल की तरह ये बेकार है, या बल्कि बेकार होने के साथ साथ डेंजरस भी है। हथौड़ी उंगली पे भी तो लग सकती है, आपकी अपनी उंगली को तोड़ सकती है अगर आप उसको सही इस्तेमाल ना करें। तो स्टैटिस्टिक्स को सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसका मतलब क्या है सही इस्तेमाल करने का? इट कैन मीन एनालाइजिंग के आप मैनिपुलेशन कर क्या रहे हैं, यानी आपका टेस्ट एक्चुअली है क्या, सैम्पल साइज की नेचर क्या है, और सैम्पल साइज है कितना, आप की जो मेजरिंग है डिवाइस, मेजरिंग डिवाइस उस या क्वेश्चनर है उसकी वर्डिंग क्या रखी है आपने, आपकी एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज क्या हैं, उनमें फ़र्क कितना है, बिटवीन सब्जेक्ट स्टडी थी या विद इन सब्जेक्ट स्टडी थी, और इसमें कितने पार्टिसिपेंट थे, अल्फ़ा लेवल्स क्या थे, आपने Type 1 और Type 2 एरर कम करने के लिए क्या क्या किया, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको देखना पड़ेगा, जिससे ख़ुद आपको पता चलेगा कि आपने जो स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस टेस्ट की, आपने जो स्टेटिस्टिक्स यूज़ की, एक्चुअली ये ठीक थी भी या नहीं। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है ये इट्स अ टच स्टोन, ऑब्वियसली ये एक आला तरीन स्टैंडर्ड है मैं किसी चीज़ को देखने का कि वो एक्चुअली अकर हो भी रही है नहीं। लेकिन जब तक, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड पे कहा कि जब आप कुछ बेसिक चीज़ें जहन में नहीं रखेंगे तो ये आपको गलत तरफ भी लेके जा सकती है, गलत कंक्लूजन्स भी आप कर सकते हैं। जब कभी आपको लगता है, या कभी कभी होता है ना, आपको लगता है यार ये थी तो बड़ी ज़बरदस्त डिस्कवरी है लेकिन सिग्निफिकेंस नहीं आ रही, तो बजाय इसके कि आप वहाँ पे कोई फिगर्स मैनिपुलेट करें, बेहतर ये है कि अपना सैम्पल साइज चेंज करें, कोई डिज़ाइन मॉडिफाई करें, बजाय इसके कि आप फ़ौरन इस कंक्लूजन पे पहुँचें कि नहीं मेरी स्टडी तो ठीक है, सिग्निफिकेंस में कोई गड़बड़ है, या यार पता नहीं मेरी स्टडी शायद ठीक नहीं है, मेरा क्लेम ही ठीक नहीं था। तो अगर कोई बहुत ही प्रॉमिसिंग चीज़ आपको नज़र आ रही है तो उसको ज़रूर एक एक्सपेरिमेंट पे कंक्लूड ना करें, बल्कि उसमें बाकी सारे वेरिएबल्स जो मैंने पीछे बताए आपको, वो सारे के सारे अप्लाई करें, रेप्लिकेट करें चीज़ों को। और उसमें ये भी किया जा सकता है कि सिग्निफिकेंस टेस्टिंग को आप एक इंडिकेटर समझें और उसके साथ साथ और भी इंडिकेटर्स यूज़ करें, मुख्तलिफ टेस्ट यूज़ करें, वैलिडिटी के, मीनिंगफुलनेस के, रिपीटेबिलिटी के, मुख्तलिफ चीज़ों के टेस्ट इस्तेमाल करें। क्योंकि बहरहाल जैसा मैंने ये डिस्कशन शुरू करते हुए आपको बताया, स्टेटिस्टिकल टेस्टिंग एट द एंड ऑफ द डे इज़ ए टूल, और कैसे अच्छे इस्तेमाल करना है वो आप पे डिपेंड करता है। अब एक चीज़ होती है मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस आम जुबान में क्या मैं आपको बताऊँ तो आपकी स्टडी तो एक स्टडी है ना, तो हो सकता है इस तरह की सैकड़ों स्टडीज़, इससे मिलती जुलती स्टडीज़ पहले से हो चुकी हों। तो मेटा एनालिसिस इस चीज़ को कहते हैं कि आप उन सारी की सारी स्टडीज़ के रिज़ल्ट लेके उनका एनालिसिस करें, क्योंकि कंसिस्टेंसी और रिपीटेबिलिटी जो है ऑब्वियसली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिज़ल्ट कंसिस्टेंट आए, तभी प्रूव होगा कि आपके रिज़ल्ट ठीक हैं। तो इसके लिए एक स्टडी करने के बजाय ग्रुप ऑफ स्टडीज़ को देखना या उस एरिया में सारे के सारे लिटरेचर को देखना बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। इससे आपको मतलब आप जब बहुत सारी स्टडीज़ देखते हैं तो आपको ट्रेंड्स नज़र आते हैं, आपको पता लगता है कि ये और कल्चर्स में ये चीज़ हुई तो कैसे रिज़ल्ट आए, और मुल्क चेंज हुआ तो क्या फ़र्क पड़ा, जीन्स चेंज हुए तो क्या फ़र्क पड़ा, इन्वायरमेंट चेंज हुई तो क्या फ़र्क पड़ा, और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको बदलने से रिज़ल्ट बदलते हैं। तो ये इस तरह के, ज़ाहिर है इस तरह के सवालों के जवाब आप एक इस्लामाबाद में रावलपिंडी में बैठ के तो नहीं दे सकते, आप यहाँ पे लोगों की जीन्स तो चेंज नहीं कर सकते, आप यहाँ पे साल में 8 महीने बर्फ़ तो नहीं बरसा सकते कि ये देखें कि वेदर का क्या फ़र्क पड़ता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए सिस्टमेटिक स्टडीज़ कंडक्ट की जाती हैं, या मेटा एनालिसिस कंडक्ट किए जाते हैं, जो बेसिकली समराइज़ करते हैं मल्टीपल स्टडीज़ की फाइंडिंग्स को। तो मल्टीपल स्टडीज़ की फाइंडिंग्स को कंबाइन करना, इसको हम कहते हैं मेटा एनालिसिस।
और आजकल ये भी हो रहा है कि बहुत से जर्नल्स जो हैं वो इनक्रेज करते हैं आपको कि आप एक पर्टिकुलर एरिया में पीएचडी कर रहे हैं, तो आप अपने लिटरेचर रिव्यू को थॉरो करें, इस टॉपिक पे तमाम स्टडीज़ को आप डीपली पढ़ें और उन सिर्फ उस लिटरेचर रिव्यू का हमें एक पेपर जमा करा दें, तो हम उसको मेटा एनालिसिस के तौर पे पब्लिश कर लेंगे। तो इट इज़ नाउ वेरी कॉमन कि जो लोग पीएचडी करते हैं वैसे वो अपने रिजल्ट्स को तो एज ए जर्नल पेपर पब्लिश करते ही करते हैं, लेकिन उसके अलावा वो अपने लिटरेचर रिव्यू को भी एज मेटा एनालिसिस पब्लिश करते हैं। तो मेटा एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनफैक्ट अगर आप ट्रूली किसी इशू को समझना चाहते हैं तो ये ज़रूरी चीज़ भी है, ये आपको मुख्तलिफ मुख्तलिफ वेरिएबल्स के चेंज होने से स्टडी पे क्या फ़र्क पड़ता है बेसिकली वो बताती है आपको। तो अब हम कुछ स्टेटिस्टिकल टेस्ट्स देखेंगे, कॉमन स्टेटिस्टिकल टेस्ट्स, और उसके बाद सम अप करते हैं अपने इस टॉपिक को जो कि था रिसर्च एंड स्टेटिस्टिक्स। अब ये कुछ ये स्लाइड पे और अगली स्लाइड पे कुछ टेस्ट लिखे हुए हैं, इनमें से मीन मीडियन मोड तो आपने शुरू में देख लिए थे, इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस भी देख ली थी, इसी तरह चाई स्क्वायर भी पीछे मैंने आपको बता दिया था। यहाँ जो एक और लिखे हुए हैं इनमें से लिखा हुआ है पहला पियर्स आर या पियर्सन्स आर या पियर्सन्स कोरिलेशन टेस्ट। ये टेस्ट आपको बताता है कि जब दो चीज़ें वेरी हो रही हों तो वो इकट्ठी वेरी होती हैं या एक के वेरी होने से दूसरे के वेरी होने पे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो अगर एक के वेरी होने से दूसरी भी वेरी हो रही हो तो ये आपको बताता है कि यस इनका स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। ये कोरिलेशन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी एक वेरी हायर साइड की तरफ हो तो उसकी वजह से दूसरी लोअर साइड की तरफ वेरी होना शुरू हो जाए। इस टेस्ट को कहते हैं पियर्सन्स आर या पियर्सन्स कोरिलेशन टेस्ट। फिर इसी तरह फाई कोफिशेंट है, ये भी मोर और लेस पियर्सन कोरिलेशन की तरह के ही है, बस इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें जो आप रिलेशनशिप देख रहे होते हैं ये नॉमिनल या कैटेगोरिकल वेरिएबल्स में होता है, यानी जो कंटिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं वो नहीं बल्कि नॉमिनल या कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। क्या हो नॉमिनल या कैटेगोरिकल वेरिएबल्स क्या होते हैं? येस नो हाई लो पास फेल, इनको हम कहते हैं कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। और कंटिन्यूस वेरिएबल्स क्या होते हैं? जैसे एज की कोई भी फिगर हो सकता है, 1 से लेके प्रॉब्ली 100 तक किसी की एज कोई भी निकल सकती है। स्पीड की का वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 से लेके थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स पर आवर्स कुछ भी हो सकता है, वो कंटिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं। और नॉमिनल या कैटेगोरिकल वेरिएबल्स येस नो पास फेल हाई लो बिग स्मॉल, इस तरह के वेरिएबल्स को हम नॉमिनल वेरिएबल्स कहते हैं। तो पियर्सन्स कोरिलेशन जो है वो कंटिन्यूस वेरिएबल्स का कोरिलेशन देखता है, फाई कोफिशिएंट नॉमिनल या कैटेगोरिकल वेरिएबल्स का कोरिलेशन देखता है आपस में। फिर आगे ये टी टेस्ट लिखे हुए हैं तीन किस्म के। बेसिकली टी टेस्ट क्या करते हैं कि दो पॉपुलेशन मीन्स को कंपेयर करते हैं और उनका देखते हैं कि ये आपस में एक दूसरे से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं या नहीं। तो दे फाइंड एविडेंस ऑफ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन्स। अगर इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट हो, इसका मतलब है कि वो जो आपने 1, 2, 3 जितने भी सैंपल लिए वो उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं था। सिंगल सैंपल का मतलब है कि आपके पास कोई पॉपुलेशन का डेटा मौजूद है और एक सैंपल लेके आपने सैंपल को पॉपुलेशन से कंपेयर कर लिया। पेयर्ड का मतलब है कि उन दोनों का आपस में कोई इनहेरेंट रिलेशनशिप भी है और उनको आप टेस्ट कर रहे हैं कि वो कैसे वेरी हो रहे हैं। आखिर में लिखा हुआ है रिलायबिलिटी एनालिसिस, ये बेसिकली वो चीज़ है जिसको आप लोग आम जुबान में क्रोनबाख अल्फा कहते हैं, और ये आप उस वक्त इस्तेमाल करते हैं व्हेन यू यूज़ मल्टीपल लेकर्ट स्केल क्वेश्चंस किसी सर्वे में क्वेश्चनर में, और देखते हैं कि आपका स्केल रिलायबल है भी या नहीं है। यानी रिलायबिलिटी एनालिसिस बेसिकली वो जिसको हम लोग नॉर्मली आप लोग आई एम श्योर आपने बहुत से सब्जेक्ट्स में जो अपने प्रोजेक्ट किए होंगे उसमें क्रोनबाख अल्फा निकाला होगा, तो दैट इज़ द रिलायबिलिटी टेस्ट। अगली स्लाइड पे अब ये यहाँ पे कुछ टेस्ट लिखे हुए हैं, जैसे सबसे ऊपर लिखा है वन वे एनालिसिस ऑफ वेरियंस, वन वे अनोवा। बेसिकली ये
मीन्स को कंपेयर करता है तीन या ज़्यादा ग्रुप्स को। पीछे टी टेस्ट जो था वो दो ग्रुप्स तक था, अनोवा जो है वो तीन या उससे ज़्यादा ग्रुप्स को कंपेयर करता है। फैक्टोरियल अनोवा इन सब में, यानी वन वे अनोवा और पीछे टी टेस्ट में भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है, लेकिन जब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो या उससे ज़्यादा हो जाए तो फिर आप फैक्टोरियल अनोवा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। फिर इसके बाद लिखा हुआ है एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस। एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस क्या चीज़ है? इसमें जो आपके एक्सेस होते हैं वो, यानी आप कह लें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं आपके, वो कैटेगोरिकल या कंटिन्यूस कुछ भी हो सकते हैं। पीछे जो मैंने आपको बताया था ना, कैटेगोरिकल या नॉमिनल, तो अनोवा आपको कंटिन्यूस वेरिएबल्स को डील करता है और एनकोवा कैटेगोरिकल को भी डील कर सकता है। एनोवा बेसिकली एक्स यानी इंडिपेंडेंट तो कैटेगोरिकल को डील कर सकता है, लेकिन वाई कैटेगोरिकल को डील नहीं कर सकता, वहाँ पे वाई कंटिन्यूस ही होते हैं। लेकिन अगर आपके वाई भी कंटिन्यूस हो, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल भी कंटिन्यूस नेचर का हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कंटिन्यूस नेचर का हो, फिर आप रिग्रेशन इस्तेमाल करते हैं। अगर रिग्रेशन में वाई कैटेगोरिकल हो जाए, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल कैटेगोरिकल हो जाए, फिर आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन इस्तेमाल करते हैं। ऑब्वियसली ये चीज़ें इस वक्त इस टॉपिक में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं खाली आपको एक उसका टच सा दे रहा हूँ। जब आप करेंगे इंशाल्लाह किसी वक्त आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप मज़ीद डिटेल में जा सकते हैं। ये एक और यहाँ पे लिखी हुई है मल्टीपल रिग्रेशन। मल्टीपल रिग्रेशन क्या होता है जी, कि आप स्ट्रेंथ देखने की कोशिश करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की, कि वो किस तरह असरअंदाज होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, यानी एक्सेस किस तरह कितनी स्ट्रांगली प्रिडिक्ट कर रहे हैं वाई को। फिर यहाँ पे नीचे लेफ्ट साइड पे नीचे लिखा है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस और फैक्टर एनालिसिस। पीसीए आप तब करते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जब आप बॉटम अप चीज़ों को, यानी एक ढेर सारे वेरिएबल्स हैं आपके पास, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, उनमें से आप एक एक को एनालाइज कर करके ड्रॉप करते रहते हैं इनसिग्निफिकेंट को, और कुछ प्रिंसिपल कंपोनेंट्स तक पहुंच जाते हैं। बॉटम अप एनालिसिस ऑफ कंपोनेंट्स टू अराइव ऑन प्रिंसिपल कंपोनेंट्स, इसको हम पीसीए कहते हैं। और अगर इसी सिचुएशन में आपको उन बहुत सारे कंपोनेंट्स में एक ए प्रायोरी नॉलेज हो कि कुछ फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, तो उसको हम फैक्टर एनालिसिस कहते हैं, यानी बहुत से कंपोनेंट्स को एनालाइज करने के बजाय उन फैक्टर्स को ही एनालाइज कर लिया जाए। फिर यहाँ पे एक सेकंड कॉलम में पैथ एनालिसिस एक चीज़ है, ये बेसिकली एक एक्सटेंशन है मल्टीपल रिग्रेशन की। इसमें इट प्रोवाइड्स यू एस्टिमेट्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपोथेसाइज्ड कॉजल कनेक्शंस बिटवीन सेट ऑफ वेरिएबल्स, और इसमें पाथ डायग्राम्स बनते हैं और उसके थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है रिलेशनशिप। अब ये पाथ एनालिसिस को ही एक कदम आगे आप लेके जाएं तो ये स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग करते हैं आप, क्योंकि पाथ एनालिसिस में एक अजम्पशन होती है कि कोई मेजरमेंट एरर नहीं था, लेकिन स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग जो होती है वो कुछ लेटेंट वेरिएबल्स को भी एनालाइज करती है या इस्तेमाल करती है टू अकाउंट फॉर मेजरमेंट एरर्स। तो बेसिकली ये सारे सारे टेस्ट, बॉटम लाइन ये है कि पॉपुलेशन को सैम्पल से कंपेयर करने के लिए होते हैं, या सैम्पल को सैम्पल से कंपेयर करने के लिए होते हैं, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को डिपेंडेंट वेरिएबल्स का उनका आपस में रिलेशनशिप देखने के लिए होते हैं। और जो पीछे हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, पहले स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस में, फिर हमने देखा कि उसके साथ साथ कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उन सब को फैक्टर इन जब आप करते हैं तो एक नया टेस्ट आ जाता है। तो ऑब्वियसली ये जो हमारा कोर्स है, इसमें हमारा मैंडेट नहीं है कि हम ये सारे के सारे टेस्ट करें। ऑब्वियसली ये आपके इस कोर्स के इम्तिहान के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब भी आपको लाइफ में ज़रूरत पड़ेगी, जब आप थीसिस कर रहे होंगे या कोई प्रैक्टिकल रिसर्च कर रहे होंगे, तो ये आपको ज़रूरत पड़ेंगे। उस वक्त यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू दिस लेक्चर, यहाँ से आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा और डिटेल के लिए फिर आप किसी भी किताब को पढ़ सकते हैं। तो इसके साथ ही वी कम टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक विच वॉज़ रिसर्च एंड स्टेटिस्टिक्स। इसमें हमने शुरू में स्टेटिस्टिक्स को समझा,
हमने देखा कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक होते हैं, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स होते हैं, फिर स्टैटिस्टिक्स में हम सेंट्रल टेंडेंसी देखने की कोशिश करते हैं थ्रू मीन, मीडियन एंड मोड, डिस्पर्शन देखने की कोशिश करते हैं थ्रू स्टैंडर्ड डेविएशन, थ्रू वेरियंस, थ्रू रेंज। फिर उसके बाद हमने देखा कि कोई भी डेटा जो है उसको डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल में पेश करके रिप्रेजेंट करना बहुत यूज़फुल होता है। उसमें हमने देखा था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत ही कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन है और उसके लिए बहुत से टेस्ट अवेलेबल हैं। और फिर हमने देखा कि जी स्कोर एक चीज़ है जिससे सिग्मा लेवल्स निकलते हैं और उससे किसी भी डेटा को एनालाइज करना बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद हमने हाइपोथेसिस की तरफ आए, हाइपोथेसिस टेस्टिंग की तरफ, और उसके अंदर हमने देखा कि नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती हैं। फिर उनको टेस्ट करने के लिए हम अल्फा लेवल्स और पी वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। फिर हमने देखा कि स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस देखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिस और सिर्फ स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट नहीं होती बल्कि थ्योरी में ग्राउंड करना भी ज़रूरी होता है आपकी रिसर्च को। उसके बाद हमने स्टेटिस्टिकल थ्योरी थोड़ी सी देखी और ये भी देखा कि इन्फ्रेंशियल टेस्टिंग की एक अपनी लॉजिक होती है जिसको फॉलो करके हम किसी रिजल्ट तक पहुँचते हैं। उसके लिए हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखी, चाय स्क्वेयर टेस्ट देखा। फिर हमने देखा कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स होते हैं, फिर उनको ठीक कैसे किया जाता है ये देखा। हमने देखा कि रेप्लिकेशन कैसे यूज़फुल होती है। फिर आखिर में हमने देखा कि सिर्फ स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट नहीं होती बल्कि बहुत सी और भी कंसिडरेशंस हैं जो बहुत यूज़फुल होती हैं, जैसे इफ़ेक्ट साइज़ जिसमें कोहन्स रीटेस्ट हमने देखा, फिर मेजरमेंट एरर इंपॉर्टेंट होता है जिसमें हमने देखा कि मेजरमेंट एरर जो है वो सिस्टमेटिक और रैंडम टाइप के होते हैं और उनको एड्रेस कैसे किया जाता है। फिर हमने देखा कि सैम्पल साइज़ इंपॉर्टेंट होता है स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस के साथ साथ। फिर हमने देखा कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ रेंज इंपॉर्टेंट होती है और हमें पावरफुल टेस्ट इस्तेमाल करने चाहिए जब भी हमारे पास ऑप्शन हो। फिर हमने आखिर में देखा कि मेटा एनालिसिस क्या चीज़ होती है और सबसे आखिर में कुछ टेस्ट के बारे में हमने डिस्कशन की। तो ये था जी हमारा चौथा टॉपिक रिसर्च एंड स्टेटिस्टिक्स जो इख्तिताम को पहुंचा है। इसके बाद इंशाल्लाह हमारा एक टॉपिक और है और देन विल बी ऑल सेट टू गो फॉर द मिड टर्म एग्ज़ाम्स। बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलते हैं।